नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखी चंद्रकांता संतति के खंड एक का पहला भाग। तो चलिए बिना और देर करे जल्दी से शुरू करते हैं। बयान एक। नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के लड़के वीरेंद्र सिंह की शादी विजयगढ़ के महाराज जय सिंह की लड़की चंद्रकांता के साथ हो गई। बारात वाले दिन तेज सिंह की आखिरी दिल्लगी के सबब चुनार के महाराज शिवदत्त को मशालची बनना पड़ा। बहुतों की यह राय हुई कि महाराज शिवदत्त का दिल अभी तक साफ नहीं हुआ, इसलिए अब इनको कैद ही में रखना मुनासिब है। मगर महाराज सुरेंद्र सिंह ने इस बात को नापसंद करके कहा कि महाराज शिवदत्त को हम छोड़ चुके हैं। इस वक्त जो तेज सिंह से उनकी लड़ाई हो गई, यह हमारे साथ वैर रखने का सबूत नहीं हो सकता। आखिर महाराज शिवदत्त क्षत्रिय हैं। जब तेज सिंह उनकी सूरत बना बेइज्जती करने पर उतारू हो गए, तो यह देखकर भी वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। मैं यह भी नहीं कह सकता कि महाराज शिवदत्त का दिल हम लोगों की तरफ से बिल्कुल साफ हो गया, क्योंकि उनका अगर दिल साफ ही हो जाता तो इस बात को छिपकर देखने के लिए आने की जरूरत क्या थी। तो भी यह समझकर कि तेज सिंह के साथ इनकी यह लड़ाई हमारी दुश्मनी के सबब नहीं कही जा सकती, हम फिर इनको छोड़ देते हैं। अगर अब भी ये हमारे साथ दुश्मनी करेंगे तो क्या हर्ज है, ये भी मर्द हैं और हम भी मर्द हैं, देखा जाएगा। महाराज शिवदत्त फिर छूटकर न मालूम कहाँ चले गए। वीरेंद्र सिंह की शादी होने के बाद महाराज सुरेंद्र सिंह और जय सिंह की राय से चपला की शादी तेज सिंह के साथ और चंपा की शादी देवी सिंह के साथ की गई। चंपा दूर के नाते में चपला की बहन होती थी। बाकी सब यारों की शादी हो चुकी थी, उन लोगों की घर गृहस्थी चुनार ही में थी। अदला बदल करने की जरूरत न पड़ी, क्योंकि शादी होने के थोड़े ही दिन बाद बड़े धूमधाम के साथ कुंवर वीरेंद्र सिंह चुनार की गद्दी पर बैठाए गए और कुंवर छोड़ राजा कहलाने लगे। तेज सिंह उनके राजदीवान मुकर्रर हुए और इसलिए सब अयारों को भी चुनार में ही रहना पड़ा। सुरेंद्र सिंह अपने लड़के को आँखों के सामने से हटाना नहीं चाहते थे। लाचार नौगढ़ की गद्दी फतेह सिंह के सुपुर्द कर वे भी चुनार ही रहने लगे, मगर राज्य का काम बिल्कुल वीरेंद्र सिंह के जिम्मे था। हाँ, कभी कभी राय दे देते थे। तेज सिंह के साथ जीत सिंह भी बड़ी आजादी के साथ चुनार में रहने लगे। महाराज सुरेंद्र सिंह और जीत सिंह में बहुत मोहब्बत थी और वो मोहब्बत दिन दिन बढ़ती गई। असल में जीत सिंह इसी लायक थे कि उनकी जितनी कदर की जाती थोड़ी थी। शादी के 2 बरस बाद चंद्रकांता को लड़का पैदा हुआ। उसी साल चपला और चंपा को भी एक एक लड़का पैदा हुआ। इसके 3 बरस बाद चंद्रकांता ने दूसरे लड़के का मुख देखा। चंद्रकांता के बड़े लड़के का नाम इंद्रजीत सिंह, छोटे का नाम आनंद सिंह, चपला के लड़के का नाम भैरव सिंह और चंपा के लड़के का नाम तारा सिंह रखा गया। जब ये चारों लड़के कुछ बड़े और बातचीत करने लायक हुए, तब इनके लिखने पढ़ने और तालीम का इंतजाम किया गया और राजा सुरेंद्र सिंह ने इन चारों लड़कों को जीत सिंह की शागिर्दी और हिफाजत में छोड़ दिया। भैरव सिंह और तारा सिंह अयारी के फन में बड़े तेज और चालाक निकले। इनकी अयारी का इम्तिहान बराबर लिया जाता था। जीत सिंह का हुक्म था कि भैरव सिंह और तारा सिंह कुल अयारों को बल्कि अपने बाप तक को धोखा देने की कोशिश करें और इसी तरह पन्नालाल वगैरह अयार भी उन दोनों लड़कों को भुलावा दिया करें। धीरे धीरे ये दोनों लड़के इतने तेज और चालाक हो गए कि पन्नालाल वगैरह की अयारी इनके सामने दब गई। भैरव सिंह और तारा सिंह, इन दोनों में चालाक ज्यादा कौन था, इसके कहने की कोई जरूरत नहीं, आगे मौका पड़ने पर आप ही मालूम हो जाएगा। हाँ, इतना कह देना जरूरी है कि भैरव सिंह को इंद्रजीत सिंह के साथ और तारा सिंह को आनंद सिंह के साथ ज्यादा मोहब्बत थी। चारों लड़के होशियार हुए, अर्थात इंद्रजीत सिंह, भैरव सिंह और तारा सिंह की उम्र 18 वर्ष की और आनंद सिंह की उम्र 15 वर्ष की हुई। इतने दिनों तक चुनार राज्य में बराबर शांति रही, बल्कि पिछली तकलीफें और महाराज शिवदत्त की शैतानी एक स्वप्न की तरह सभी के दिल में रह गई। इंद्रजीत सिंह को शिकार का बहुत शौक था। जहां तक बन पड़ता वे रोज शिकार खेला करते। एक दिन किसी बनरखे ने हाजिर होकर बयान किया कि इन दिनों फलाने जंगल की शोभा खूब बड़ी चढ़ी है और शिकार के जानवर भी इतने आए हुए हैं कि अगर वहां महीना भर टिककर शिकार खेला जाए तो भी न घटे और कोई दिन खाली न जाए। यह सुन दोनों भाई बहुत खुश हुए। अपने बाप राजा वीरेंद्र सिंह से शिकार खेलने की इजाजत मांगी और कहा कि हम लोगों का इरादा 8 दिन तक जंगल में रहकर शिकार खेलने का है।
इसके जवाब में राजा वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इतने दिनों तक जंगल में रहकर शिकार खेलने का हुक्म मैं नहीं दे सकता, अपने दादा से पूछो, अगर वे हुक्म दे तो कोई हर्ज नहीं। यह सुनकर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह ने अपने दादा महाराज सुरेंद्र सिंह के पास जाकर अपना मतलब अर्ज किया। उन्होंने खुशी से मंजूर किया और हुक्म दिया कि शिकारगाह में इन दोनों के लिए खेमा खड़ा किया जाए और जब तक ये शिकारगाह में रहे 500 फौज बराबर इनके साथ रहे। शिकार खेलने का हुक्म पा इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह बहुत खुश हुए और अपने दोनों एआरओ भैरव सिंह और तारा सिंह को साथ ले मैं 500 फौज के चुनार से रवाना हुए। चुनार से 5 कोस दक्षिण एक घने और भयानक जंगल में पहुंचकर उन्होंने डेरा डाला। दिन थोड़ा बाकी रह गया, इसलिए यह राय ठहरी कि आज आराम करें, कल सवेरे शिकार का बंदोबस्त किया जाए, मगर बनरखों को शेर का पता लगाने के लिए आज ही कह दिया जाएगा, भैंसा बांधने की जरूरत नहीं, शेर का शिकार पैदल ही किया जाएगा। दूसरे दिन सवेरे बनरखों ने हाजिर होकर उनसे अर्ज किया कि इस जंगल में शेर तो है, मगर रात हो जाने के सबब हम लोग उन्हें अपनी आँखों से न देख सके, अगर आज के दिन शिकार न खेला जाए तो हम लोग देखकर उनका पता दे सकेंगे। आज के दिन भी शिकार खेलना बंद किया गया। पहर भर दिन बाकी रहे। इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह घोड़ों पर सवार हो अपने दोनों यारों को साथ ले घूमने और दिल बहलाने के लिए डेरे से बाहर निकले और टहलते हुए दूर तक चले गए। दूसरे जब मचान बांधकर शेर का शिकार किया चाहते हैं या एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने सुबीते के लिए उसे ले जाया चाहते हैं, तब इसी तरह भैंसे बांधकर हटाते जाते हैं। इनको शिकारी लोग मरीब भी कहते हैं। ये लोग धीरे धीरे टहलते और बातें करते जा रहे थे कि बाईं तरफ से शेर के गर्जने की आवाज आई, जिसे सुनते ही चारों अटक गए और घूमकर उस तरफ देखने लगे जिधर से आवाज आई थी। लगभग 200 गज की दूरी पर एक साधु शेर पर सवार जाता दिखाई पड़ा, जिसकी लंबी लंबी और घनी जटाएं पीछे की तरफ लटक रही थी। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में शंख लिए हुए था। इसकी सवारी का शेर बहुत बड़ा था और उसके गर्दन के बाल जमीन तक लटक रहे थे। इसके 8-10 हाथ पीछे एक शेर और जा रहा था, जिसकी पीठ पर आदमी के बदले बोझ लदा हुआ नजर आया। शायद ये असबाब उन्हीं शेर सवार महात्मा का हो। शाम हो जाने के सबब साधु की सूरत साफ मालूम न पड़ी, तो भी उसे देख इन चारों को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और कई तरह की बातें सोचने लगे। इंद्र, इस तरह शेर पर सवार होकर घूमना मुश्किल है। आनंद, कोई अच्छे महात्मा मालूम होते हैं। भैरव, पीछे वाले शेर को देखिए, जिस पर असबाब लदा हुआ है, किस तरह भेड़ की तरह सिर नीचा किए जा रहा है। तारा, शेरों को बस में कर लिया है। इंद्र, जी चाहता है उनके पास चलकर दर्शन करें। आनंद, अच्छी बात है, चलिए पास से देखें कैसा शेर है। तारा, बिना पास गए महात्मा और पाखंडी में भेद न मालूम होगा। भैरो, शाम तो हो गई है, खैर चलिए आगे से बढ़कर रोकें। आनंद, आगे से चलकर रोकने से बुरा न माने। भैरो, हम यारों का पेशा ही ऐसा है कि पहले तो उनका साधु होना ही विश्वास नहीं करते। इंद्र, आप लोगों की क्या बात है, जिनकी मूंछ हमेशा ही मूड़ी रहती है, खैर चलिए तो सही। भैरो, चलिए। चारों आदमी आगे चलकर बाबाजी के सामने गए, जो शेर पर सवार जा रहे थे। इन लोगों को अपने पास आते देखकर बाबाजी रुक गए। पहले तो इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के घोड़े शेरों को देखकर अड़े, मगर फिर ललकारने से आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाकर दोनों भाई घोड़ों के ऊपर से उतर पड़े। भैरव सिंह और तारा सिंह ने दोनों घोड़ों को पेड़ से बांध दिया। इसके बाद पैदल ही चारों आदमी महात्मा के पास पहुंचे। बाबा जी, दूर से ही आओ राजकुमार इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह, कहो कुशल तो है। इंद्र, प्रणाम करके, आपकी कृपा से सब मंगल है। बाबा, भैरव सिंह और तारा सिंह की तरफ देखकर, कहो भैरव और तारा अच्छे हो। दोनों हाथ जोड़कर, आपकी दया से। बाबा, राजकुमार, मैं खुद तुम लोगों के पास जाने को था, क्योंकि तुमने शेर का शिकार करने के लिए इस जंगल में डेरा डाला है। मैं गिरनार जा रहा हूँ, घूमता फिरता इस जंगल में भी आ पहुँचा। यह जंगल अच्छा मालूम होता है, इसलिए 2-3 दिन तक यहाँ रहने का विचार है। कोई अच्छी जगह देखकर धुनी लगाऊंगा। मेरे साथ सवारी और असबाब लादने के कई शेर हैं, इसलिए कहता हूँ कि धोखे में मेरे किसी शेर को मत मारना, नहीं तो मुश्किल होगी। सैकड़ों शेर पहुंचकर तुम्हारे लश्कर में हलचल मचा डालेंगे और बहुतों की जान जाएगी।
तुम प्रतापी राजा सुरेंद्र सिंह के लड़के हो, इसलिए तुम्हें पहले ही से समझा देना मुनासिब है, जिससे किसी तरह का दुख न हो। इंद्र, महाराज मैं कैसे जानूंगा कि यह आपका शेर है? ऐसा ही है तो शिकार न खेलूंगा। बाबा, नहीं, तुम शिकार खेलो, मगर मेरे शेरों को मत मारो। इंद्र, मगर यह कैसे मालूम होगा कि फलाना शेर आपका है? बाबा, देखो मैं अपने शेरों को बुलाता हूँ, पहचान लो। बाबाजी ने शंख बजाया। भारी शंख की आवाज चारों तरफ जंगल में गूंज गई और हर तरफ से गुर्राहट की आवाज आने लगी। थोड़ी ही देर में इधर उधर से दौड़ते हुए 5 शेर और आ पहुँचे। ये चारों दिलावर और बहादुर थे। अगर कोई दूसरा होता तो डर से उसकी जान निकल जाती। इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के घोड़े शेरों को देखकर उछलने कूदने लगे, मगर रेशम की मजबूत बागडोर से बंधे हुए थे, इससे भाग न सके। इन शेरों ने आकर बड़ी ऊधम मचाई। इंद्रजीत सिंह वगैरह को देख गजने कूदने और उछलने लगे, मगर बाबाजी के डांटते ही सब ठंडे हो सिर नीचा कर भेड़ बकरी की तरह खड़े हो गए। बाबा, देखो इन शेरों को पहचान लो, अभी 2-4 और हैं। मालूम होता है उन्होंने शंख की आवाज नहीं सुनी। खैर, अभी तो मैं इसी जंगल में हूँ, उन बाकी शेरों को भी दिखला दूंगा। कल भर शिकार और बंद रखो। भैरो, फिर आपसे मुलाकात कहाँ होगी? आपकी धुनी किस जगह लगेगी? बाबा, मुझे तो यही जगह आनंद की मालूम होती है, कल इसी जगह आना, मुलाकात होगी। बाबाजी शेर से नीचे उतर पड़े और जितने शेर उस जगह आए थे वे सब बाबाजी के चारों तरफ घूमने तथा मोहब्बत से उनके बदन को चाटने और सूंघने लगे। ये चारों आदमी थोड़ी देर तक वहाँ और अटकने के बाद बाबाजी से विदा हो खेमे में आए। जब सन्नाटा हुआ तो भैरव सिंह ने इंद्रजीत सिंह से कहा, मेरे दिमाग में इस समय बहुत सी बातें घूम रही हैं। मैं चाहता हूँ कि हम लोग चारों आदमी एक जगह बैठ कमेटी कर कुछ राय पक्की करें। इंद्रजीत सिंह ने कहा, अच्छा, आनंद और तारा को भी इसी जगह बुलाओ। भैरव सिंह गए और आनंद सिंह तथा तारा सिंह को उसी जगह बुला लाए। उस वक्त सिवाय इन चारों के उस खेमे में और कोई न रहा। भैरव सिंह ने अपने दिल का हाल कहा, जिसे सभी ने बड़े गौर से सुना। इसके बाद पहर भर तक कमेटी करके निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। यह कमेटी कैसी हुई, भैरव सिंह का क्या इरादा हुआ और उन्होंने क्या निश्चय किया तथा रात भर ये लोग क्या करते रहे, इसके कहने की कोई जरूरत नहीं, समय पर सब खुल जाएगा। सबेरा होते ही चारों आदमी खेमे के बाहर हुए और अपनी फौज के सरदार कंचन सिंह को बुला कुछ समझा बाबाजी की तरफ रवाना हुए। जब लश्कर से दूर निकल गए, आनंद सिंह, भैरव सिंह और तारा सिंह तो तेजी के साथ चुनार की तरफ रवाना हुए और इंद्रजीत सिंह अकेले बाबाजी से मिलने गए। बाबाजी शेरों के बीच धुनी रमाए बैठे थे। 2 शेर उनके चारों तरफ घूम घूम कर पहरा दे रहे थे। इंद्रजीत सिंह ने पहुंचकर प्रणाम किया और बाबाजी ने आशीर्वाद देकर बैठने के लिए कहा। इंद्रजीत सिंह ने बनिस्बत कल के आज 2 शेर और ज्यादा देखे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बातचीत होने लगी। बाबा, कहो इंद्रजीत सिंह, तुम्हारे भाई और अयार कहाँ रह गए, वे नहीं आए? इंद्र, हमारे छोटे भाई आनंद सिंह को बुखार आ गया, इस सबब से वो नहीं आ सका। उसी की हिफाजत में दोनों यारों को छोड़ मैं अकेला आपके दर्शन को आया हूँ। बाबा, अच्छा, क्या हर्ज है, आज शाम तक वो अच्छे हो जाएंगे। कहो आजकल तुम्हारे राज्य में कुशल तो है? इंद्र, आपकी कृपा से सब आनंद है। बाबा, बेचारे वीरेंद्र सिंह ने भी बड़ा कष्ट पाया। खैर, जो हो, दुनिया में उनका नाम रह जाएगा। इस 1000 वर्ष के अंदर कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने तिलिस्म तोड़ा हो। एक और तिलिस्म है, असल में वही भारी और तारीफ के लायक है। इंद्र, पिताजी तो कहते हैं कि वो तिलिस्म तेरे हाथ से टूटेगा। बाबा, हाँ ऐसा ही होगा, वो जरूर तुम्हारे हाथ से फतह होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इंद्र, देखे कब तक ऐसा होता है, उसकी ताली का तो पता ही नहीं लगता। बाबा, ईश्वर चाहेगा तो 1-2 दिन में तुम उस तिलिस्म को तोड़ने में हाथ लगा दोगे। उस तिलिस्म की ताली मैं हूँ। कई पुश्तों से हम लोग उस तिलिस्म के दारोगा होते चले आए हैं। मेरे परदादा, दादा और बाप उसी तिलिस्म के दारोगा थे। जब मेरे पिता का देहांत होने लगा तब उन्होंने उसकी ताली मेरे सुपुर्द कर मुझे उसका दारोगा मुकर्रर कर दिया। अब वक्त आ गया है कि मैं उसकी ताली तुम्हारे हवाले करूं, क्योंकि वो तिलिस्म तुम्हारे नाम पर बांधा गया है और सिवाय तुम्हारे कोई दूसरा उसका मालिक नहीं बन सकता। इंद्र, तो अब देर क्या है? बाबा, कुछ नहीं, कल से तुम उसके तोड़ने में हाथ लगा दो,
मगर एक बात तुम्हारे फायदे की हम कहते हैं इंद्र। वो क्या? बाबा तुम उसके तोड़ने में अपने भाई आनंद को भी शरीक कर लो। ऐसा करने से दौलत भी दूनी मिलेगी और नाम भी दोनों भाइयों का दुनिया में हमेशा के लिए बना रहेगा। इंद्र, उसकी तो तबीयत ही ठीक नहीं। बाबा क्या हर्ज है? तुम अभी जाकर जिस तरह बने उसे मेरे पास ले आओ। मैं बात की बात में उसको चंगा कर दूंगा। आज ही तुम लोग मेरे साथ चलो, जिससे कल तिलिस्म टूटने में हाथ लग जाए, नहीं तो साल भर फिर मौका न मिलेगा। इंद्र, बाबाजी असल तो यह है कि मैं अपने भाई की बढ़ती नहीं चाहता। मुझे यह मंजूर नहीं कि मेरे साथ उसका भी नाम हो। बाबा नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा न सोचना चाहिए। दुनिया में भाई से बढ़ के कोई रत्न नहीं है। इंद्र, जी हाँ, दुनिया में भाई से बढ़ के रत्न नहीं तो भाई से बढ़ के कोई दुश्मन भी नहीं। यह बात मेरे दिल में ऐसी बैठ गई है कि उसके हटाने के लिए ब्रह्मा भी आकर समझावे बुझावे तो भी कुछ नतीजा न निकलेगा। बाबा बिना उसको साथ लिए तुम तिलिस्म नहीं तोड़ सकते। इंद्र, हाथ जोड़कर बस तो जाने दीजिए, माफ कीजिए, मुझे तिलिस्म तोड़ने की जरूरत नहीं। बाबा क्या तुम्हें इतनी जिद है? इंद्र, मैं कह जो चुका कि ब्रह्मा भी मेरी राय पलट नहीं सकते। बाबा खैर तब तुम ही चलो, मगर इसी वक्त चलना होगा। इंद्र, हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, अभी चलिए। बाबाजी उसी समय उठ खड़े हुए, अपनी गठड़ी मुटड़ी बांध एक शेर पर लाद दिया तथा दूसरे पर आप सवार हो गए। इसके बाद एक शेर की तरफ देखकर कहा, बच्चा गंगाराम यहाँ तो आओ। वो शेर तुरंत इनके पास आया। बाबाजी ने इंद्रजीत सिंह से कहा, तुम इस पर सवार हो लो। इंद्रजीत सिंह कूदकर सवार हो गए और बाबाजी के साथ साथ दक्षिण का रास्ता लिया। बाबाजी के साथ ही शेर भी कोई आगे कोई पीछे कोई बाएं कोई दाहिने हो बाबाजी के साथ जाने लगे। सब शेर तो पीछे रह गए, मगर दो शेर जिन पर बाबाजी और इंद्रजीत सिंह सवार थे आगे निकल गए। दोपहर तक ये दोनों चलते गए। जब दिन ढलने लगा बाबाजी ने इंद्रजीत सिंह से कहा, यहाँ ठहर कर कुछ खा पी लेना चाहिए। इसके जवाब में कुमार बोले, बाबाजी खाने पीने की कोई जरूरत नहीं, आप महात्मा ही ठहरे, मुझे कोई भूख नहीं लगी है। फिर अटकने की क्या जरूरत है, जिस काम में पड़े उसमें सुस्ती करना ठीक नहीं। बाबाजी ने कहा, शाबाश तुम बड़े बहादुर हो। अगर तुम्हारा दिल इतना मजबूत न होता तो तिलिस्म तुम्हारे ही हाथ से टूटेगा, ऐसा बड़े लोग न कह जाते। खैर चलो। कुछ दिन बाकी रहा, जब ये दोनों एक पहाड़ी के नीचे पहुँचे, बाबाजी ने शंख बजाया। थोड़ी ही देर में चारों तरफ से सैकड़ों पहाड़ी लुटेरे हाथ में बर्छे लिए आते दिखाई पड़े और ऐसे ही 20-25 आदमियों को साथ लिए पूरब तरफ से आता हुआ राजा शिवदत्त नजर पड़ा, जिसे देखते ही इंद्रजीत सिंह ने ऊंची आवाज में कहा, इनको मैं पहचान गया, यही महाराज शिवदत्त हैं। इनकी तस्वीर मेरे कमरे में लटकी हुई है। दादाजी ने इनकी तस्वीर मुझे दिखाकर कहा था कि हमारे सबसे भारी दुश्मन ही महाराज शिवदत्त हैं। ओफो, हकीकत में बाबाजी अयार ही निकले, जो सोचा था वही हुआ। खैर क्या हर्ज है, इंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार कर लेना जरा टेढ़ी खीर है। शिवदत्त पास पहुंचकर मेरा आधा कलेजा तो ठंडा हुआ, मगर अफसोस तुम दोनों भाई हाथ न आए। इंद्र जी इस भरोसे न रहिएगा कि इंद्रजीत सिंह को फंसा लिया, उनकी तरफ बुरी निगाह से देखना भी काम रखता है। ग्रंथकर्ता भला इसमें भी कोई शक है? बयान दो। इस जगह पर थोड़ा सा हाल महाराज शिवदत्त का भी बयान करना मुनासिब मालूम होता है। महाराज शिवदत्त को हर तरह से कुनव वीरेंद्र सिंह के मुकाबले में हार माननी पड़ी। लाचार उसने शहर छोड़ दिया और अपने कई पुराने खैरख्वाहों के साथ चुनार के दक्षिण की तरफ रवाना हुआ। चुनार से थोड़ा ही दूर दक्षिण में लंबा चौड़ा जंगल है। यह विंध्य के पहाड़ी जंगल का सिलसिला राबत्सगंज, सरगुजा और सिंगरौली होता हुआ सैकड़ों कोस तक चला गया है, जिसमें बड़े बड़े पहाड़ घाटियां दर्रे और खोह पड़ते हैं। बीच में दो दो चार चार कोस के फासले पर गांव भी आबाद हैं। कहीं कहीं पहाड़ों पर पुराने जमाने के टूटे फूटे आलीशान किले अभी तक दिखाई पड़ते हैं। चुनार से 8-10 कोस दक्षिण हरौरा के पास पहाड़ पर पुराने जमाने के एक बर्बाद किले का निशान आज भी देखने से चित्त का भाव बदल जाता है। गौर करने से यह मालूम होता है कि जब यह किला दुरुस्त होगा तो 3 कोस से ज्यादा लंबी चौड़ी जमीन इसने घेरी होगी। आखिर में यह किला काशी के मशहूर राजा चेत सिंह के अधिकार में था।
इन्हीं जंगलों में अपनी रानी और कई खैरख्वाहों को मैं उनकी औरतों और बाल बच्चों के साथ लिए घूमते फिरते महाराज शिवदत्त ने चुनार से लगभग 50 कोस दूर जाकर एक हरी भरी सुहावनी पहाड़ी के ऊपर के एक पुराने टूटे हुए मजबूत किले में डेरा डाला और उसका नाम शिवदत्तगढ़ रखा, जिसमें उस वक्त भी कई कमरे और दालान रहने लायक थे। यह छोटी पहाड़ी अपने चारों तरफ के ऊंचे पहाड़ों के बीच में इस तरह छिपी और दबी हुई थी कि यकायक किसी का यहाँ पहुँचना और कुछ पता लगाना मुश्किल था। इस वक्त महाराज शिवदत्त के साथ सिर्फ 20 आदमी थे, जिनमें 3 मुसलमान अयार थे जो शायद नाजिम और अहमद के रिश्तेदारों में से थे और यह समझकर महाराज शिवदत्त के साथ हो गए थे कि इनके साथ मिले रहने से कभी न कभी राजा वीरेंद्र सिंह से बदला लेने का मौका मिल ही जाएगा। दूसरे सिवाय शिवदत्त के और कोई इस लायक नजर भी न आता था जो इन बेईमानों को अयारी के लिए अपने साथ रखता। नीचे लिखे नामों से तीनों अयार पुकारे जाते थे, बाकरली, खुदाभक्श और यारली। इन सब अयारों और साथियों ने रुपए पैसे से भी जहां तक बन पड़ा महाराज शिवदत्त की मदद की। राजा वीरेंद्र सिंह की तरफ से शिवदत्त का दिल साफ न हुआ, मगर मौका न मिलने के सबब मुद्दत तक उसे चुपचाप बैठे रहना पड़ा। अपनी चालाकी और होशियारी से वो पहाड़ी भील और खरबार इत्यादि जाति के आदमियों का राजा बन बैठा और उनसे मालगुजारी में गल्ला, घी, शहद और बहुत सी जंगली चीजें वसूल करने और उन्हीं लोगों के मार्फत शहर में भेजवा और बिकवा कर रुपया बटोरने लगा। उन्हीं लोगों को होशियार करके थोड़ी बहुत फौज भी उसने बना ली। धीरे धीरे वे पहाड़ी जाति के लोग भी होशियार हो गए और खुद शहर में जाकर गल्ला वगैरह बेच रुपये इकट्ठा करने लगे। शिवदत्त भी अच्छी तरह आबाद हो गया। इधर बाकरली वगैरह अयारों ने भी अपने कुछ साथियों को जो चुनार से इनके साथ आए थे अयारी के फन में खूब होशियार किया। इस बीच में एक लड़का और उसके बाद लड़की भी महाराज शिवदत्त के घर पैदा हुई। मौका पाकर अपने बहुत से आदमियों और अयारों को साथ ले वो शिवदत्तगढ़ के बाहर निकला और राजा वीरेंद्र सिंह से बदला लेने की फिक्र में कई महीने तक घूमता रहा। बस महाराज शिवदत्त का इतना ही मुख्तसर हाल लिखकर इस बयान को समाप्त करते हैं और फिर इंद्रजीत सिंह के किस्से को छेड़ते हैं। इंद्रजीत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद उन बनावटी शेरों ने भी अपनी हालत बदली और असली सूरत के अयार बन बैठे, जिनमें यारली, बाकरली और खुदाभक्श मुखिया थे। महाराज शिवदत्त बहुत ही खुश हुआ और समझा कि अब मेरा जमाना फिरा, ईश्वर चाहेगा तो मैं फिर चुनार की गद्दी पाऊंगा और अपने दुश्मनों से पूरा बदला लूंगा। इंद्रजीत सिंह को कैद कर वो शिवदत्तगढ़ को ले गया। सबों को ताज्जुब हुआ कि कुन इंद्रजीत सिंह ने गिरफ्तार होते समय कुछ उत्पात न मचाया, किसी पर गुस्सा न निकाला, किसी पर हरबा न उठाया, यहाँ तक कि आंखों में रंज, अफसोस या क्रोध भी जाहिर न होने दिया। हकीकत में यह ताज्जुब की बात थी भी कि बहादुर वीरेंद्र सिंह का शेर दिल लड़का ऐसी हालत में चुप रह जाए और बिना हुज्जत किए बेड़ी पहिर ले। मगर नहीं, इसका कोई सबब जरूर है जो आगे चलकर मालूम होगा। बयान 3। चुनारगढ़ किले के अंदर एक कमरे में महाराज सुरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, जीत सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह, इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह बैठे हुए कुछ बातें कर रहे हैं। जीत भैरव ने बड़ी होशियारी का काम किया कि अपने को इंद्रजीत सिंह की सूरत बना शिवदत्त के अयारों के हाथ फंसाया। सुरेंद्र, शिवदत्त के अयारों ने चालाकी तो की थी, मगर वीरेंद्र, बाबाजी शेर पर सवार हो सिद्ध बने तो लेकिन अपना काम सिद्ध न कर सके। इंद्र, मगर जैसे हो भैरव सिंह को अब बहुत जल्द छुड़ाना चाहिए। जीत कुमार, घबराओ मत, तुम्हारे दोस्त को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो सकती, लेकिन अभी उसका शिवदत्त के यहाँ फंसे ही रहना मुनासिब है। वो बेवकूफ नहीं है, बिना मदद के आप ही छूटकर आ सकता है। तिस पर पन्नालाल, रामनारायण, चुन्नीलाल, बद्रीनाथ और ज्योतिषी जी उसकी मदद को भेजे ही गए हैं। देखो तो क्या होता है। इतने दिनों तक चुपचाप बैठे रहकर शिवदत्त ने फिर अपनी खराबी कराने पर कमर बांधी है। देवी कुमारों के साथ जो फौज शिकारगाह में गई है उसके लिए अब क्या हुक्म होता है? जीत, अभी शिकारगाह से डेरा उठाना मुनासिब नहीं। तेज सिंह की तरफ देखकर, क्यों तेज? तेज, हाथ जोड़कर, जी हाँ, शिकारगाह में डेरा कायम रहने से हम लोग बड़ी खूबसूरती और दिल्लगी से अपना काम निकाल सकेंगे। सुरेंद्र, कोई अयार शिवदत्तगढ़ से लौटे तो कुछ हालचाल मालूम हो? तेज, कल तो नहीं मगर परसों तक कोई न कोई जरूर आएगा। पहर भर से ज्यादा देर तक बातचीत होती रही।
कुल बात को खोलना हम मुनासिब नहीं समझते, बल्कि आखिरी बात का पता तो हमें भी न लगा जो मजलिस उठने के बाद जीत सिंह ने अकेले में तेज सिंह को समझाई थी। खैर जाने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, जल्दी क्या है। गंगा के किनारे ऊंची बारहद्री में इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह दोनों भाई बैठे जल की कैफियत देख रहे हैं। बरसात का मौसम है, गंगा खूब बड़ी हुई है, किले के नीचे जल पहुंचा है, छोटी छोटी लहरें दीवारों में टक्कर मार रही हैं। अस्त होते हुए सूर्य की लालिमा जल में पड़कर लहरों की शोभा दूनी बढ़ा रही है। सन्नाटे का आलम है, इस बारहद्री में सिवाय इन दोनों भाइयों के कोई तीसरा दिखाई नहीं देता। इंद्र, अभी जल कुछ और बढ़ेगा। आनंद, जी हाँ, परसाल तो गंगा आज से कहीं ज्यादा बड़ी हुई थी जब दादाजी ने हम लोगों को तैरकर पार जाने के लिए कहा था। इंद्र, उस दिन भी खूब ही दिल लगी हुई, भैरव सिंह सभों में तेज रहा, बद्रीनाथ ने कितना ही चाहा कि उसके आगे निकल जाए मगर न हो सका। आनंद, हम दोनों भी कोस भर तक उस किश्ती के साथ ही गए जो हम लोगों की हिफाजत के लिए संग गई थी। इंद्र, बस वही तो हम लोगों का आखिरी इम्तिहान रहा, फिर जब से जल में तैरने की नौबत ही कहाँ आई। आनंद, कल तो मैंने दादाजी से कहा था कि आजकल गंगा जी खूब बड़ी हुई है, तैरने को जी चाहता है। इंद्र तब क्या बोले। आनंद कहने लगे कि बस अब तुम लोगों का तैरना मुनासिब नहीं है। हंसी होगी, तैरना भी एक इल्म है जिसमें तुम लोग होशियार हो चुके, अब क्या जरूरत है, ऐसा ही जी चाहे तो किश्ती पर सवार होकर जाओ सैर करो। इंद, उन्होंने बहुत ठीक कहा, चलो किश्ती पर थोड़ी दूर घूम आए। बातचीत हो ही रही थी कि चौकीदार ने आकर अर्ज किया, एक बहुत बूढ़ा जौहरी हाजिर है, दर्शन किया चाहता है। आनंद, यह कौन सा वक्त है। चौकीदार, हाथ जोड़कर, ताबेदार ने तो चाहा था कि इस समय उसे विदा करे, मगर यह ख्याल करके ऐसा करने का हौसला न पड़ा कि एक तो लड़कपन ही से वो इस दरबार का नमक अखबार है और महाराज की भी उस पर निगाह रहती है, दूसरे 80 वर्ष का बुढ़ा है, तीसरे कहता है कि अभी इस शहर में पहुंचा हूं, महाराज का दर्शन कर चुका हूं, सरकार के भी दर्शन हो जाएं तब आराम से सराय में डेरा डालूं, और हमेशा से उसका यही दस्तूर भी है। इंद्र, अगर ऐसा है तो उसे आने ही देना मुनासिब है। आनंद, अब आज किश्ती पर सैर करने का रंग नजर नहीं आता। इंद्र, क्या हर्ज है, कल सही। चौकीदार सलाम करके चला गया और थोड़ी देर में सौदागर को लेकर हाजिर हुआ। हकीकत में वो सौदागर बहुत ही बुढ़ा था, रियासत और शराफत उसके चेहरे से बरसती थी। आते ही सलाम करके उसने दोनों भाइयों को दो अंगूठियां दी और कबूल होने के बाद इशारा पाकर जमीन पर बैठ गया। इस बुढ़े जौहरी की इज्जत की गई, मिजाज का हाल तथा सफर की कैफियत पूछने के बाद डेरे पर जाकर आराम करने और कल फिर हाजिर होने का हुक्म हुआ। सौदागर सलाम करके चला गया। सौदागर ने जो दो अंगूठियां दोनों भाइयों को नजर की थी उनमें आनंद सिंह की अंगूठी पर निहायत खुशरंग मानिक जड़ा हुआ था और इंद्रजीत सिंह की अंगूठी पर सिर्फ एक छो तस्वीर थी जिसे एक दफे निगाह भर कर इंद्रजीत सिंह ने देखा और कुछ सोच चुप हो रहे। एकांत होने पर रात को शमादान की रोशनी में फिर उस अंगूठी को देखा जिसमें नगीने की जगह एक कमसिन हसीन औरत की तस्वीर जड़ी हुई थी। चाहे यह तस्वीर कितनी ही छोटी क्यों न हो मगर मुसव्वर ने गजब की सफाई इसमें खर्च की थी। इसे देखते देखते एक मर्तबे तो इंद्रजीत सिंह की यह हालत हो गई कि अपने को और उस औरत की तस्वीर को भूल गए। मालूम हुआ कि स्वयं वो नाजनीन इनके सामने बैठी है और यह उससे कुछ कहा चाहते हैं मगर उसके हुस्न के रुआब में आकर चुप रह जाते हैं। यकायक यह चौंक पड़े और अपनी बेवकूफी पर अफसोस करने लगे। लेकिन इससे क्या होता है, उस तस्वीर ने तो एक ही सायत में इनके लड़कपन को धूल में मिला दिया और नौजवानी की दीवानी सूरत इनके सामने खड़ी कर दी। थोड़ी देर पहले सवारी, शिकार, कसरत वगैरह के पेचीले कायदे दिमाग में घूम रहे थे, अब ये एक दूसरी ही उलझन में फंस गए और दिमाग किसी अद्वितीय रत्न के मिलने की फिक्र में गोते खाने लगा। महाराज शिवदत्त की तरफ से अब क्या अयारी होती है, भैरव सिंह क्यों कर और कब कैद से छूटते हैं, देखें बद्रीनाथ वगैरह शिवदत्तगढ़ में जाकर क्या करते हैं, अब शिकार खेलने की नौबत कब तक आती है, एक ही तीर में शेर को गिरा देने का मौका कब मिलता है, किश्ती पर सवार हो दरिया की सैर करने कब जाना चाहिए, इत्यादि ख्यालों को भूल गए।
अब तो यह फिक्र पैदा हुई कि सौदागर को यह अंगूठी क्यों कर हाथ लगी। यह तस्वीर ख्याली है या असल में किसी ऐसे की है जो इस दुनिया में मौजूद है? क्या सौदागर उसका पता ठिकाना जानता होगा? खूबसूरती की इतनी ही हद है या और भी कुछ है? नजाकत, सुडोली और सफाई वगैरह का खजाना यही है या कोई और? इसकी मोहब्बत के दरिया में हमारा बेड़ा क्यों कर पार होगा? कुनर इंद्रजीत सिंह ने आज बहाना करना भी सीख लिया और घड़ी ही भर में उस्ताद हो गए। पेट फूला है, भोजन न करेंगे, सिर में दर्द है, किसी का बोलना बुरा मालूम होता है, सन्नाटा हो तो शायद नींद आए, इत्यादि बहानों से उन्होंने अपनी जान बचाई और तमाम रात चारपाई पर करवटें बदल बदल कर इस फिक्र में काटी कि सबेरा हो तो सौदागर को बुलाकर कुछ पूछें। सबेरे उठते ही जौहरी को हाजिर करने का हुक्म दिया, मगर घंटे भर के बाद चौकीदार ने वापस आकर अर्ज किया कि सराय में सौदागर का पता नहीं लगता। इंद्र, उसने अपना डेरा कहाँ पर बतलाया था? जोग, ताबेदार को तो उसकी जुबानी यही मालूम हुआ था कि सराय में उतरेगा, मगर वहाँ दरियाफ्त करने से मालूम हुआ कि यहाँ कोई सौदागर नहीं आया। इंद्र, किसी दूसरी जगह उतरा हो, पता लगाओ। बहुत खूब, कहकर चौकीदार तो चला गया, मगर इंद्रजीत सिंह कुछ तरदूद में पड़ गए। सिर नीचा करके सोच रहे थे कि किसी के पैर की आहट ने चौंका दिया। सिर उठाकर देखा तो कुना आनंद सिंह। आनंद, स्नान का तो समय हो गया। इंद्र, हाँ, आज कुछ देर हो गई। आनंद, तबीयत कुछ सुस्त मालूम होती है। इंद्र, रात भर सिर में दर्द था। आनंद, अब कैसा है? इंद्र, अब तो ठीक है। आनंद, कल कुछ झलक सी मालूम पड़ी थी कि उस अंगूठी में कोई तस्वीर जड़ी हुई है तो उस जौहरी ने नजर की थी। इंद्र, हाँ थी तो। आनंद, कैसी तस्वीर है? इंद्र, न मालूम वो अंगूठी कहाँ रख दी कि मिलती ही नहीं। मैंने भी सोचा था कि दिन को अच्छी तरह देखूंगा, मगर ग्रंथकर्ता, सच है, इसकी गवाही तो मैं भी दूंगा। अगर भेद खुल जाने का डर न होता तो कुन इंद्रजीत सिंह सिवा ऑफ करने और लंबी लंबी सांसें लेने के कोई दूसरा काम न करते, मगर क्या करें, लाचारी से सभी मामूली काम और अपने दादा के साथ बैठकर भोजन भी करना पड़ा। हाँ, शाम को इनकी बेचैनी बहुत बढ़ गई जब सुना कि तमाम शहर छान डालने पर भी उस जौहरी का कहीं पता न लगा और यह भी मालूम हुआ कि उस जौहरी ने बिल्कुल झूठ कहा था कि महाराज का दर्शन कराया हूँ, अब कुमार के दर्शन हो जायम तब आराम से सराय में डेरा डालूं। वो वास्तव में महाराज सुरेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह से नहीं मिला था। तीसरे दिन इनको बहुत ही उदास देख आनंद सिंह ने किश्ती पर सवार होकर गंगाजी की सैर करने और दिल बहलाने के लिए जिद की। लाचार उनकी बात माननी ही पड़ी। एक छो खूबसूरत और तेज जाने वाली किश्ती पर सवार हो इंद्रजीत सिंह ने चाहा कि किसी को साथ न ले जायम, सिर्फ दोनों भाई ही सवार हों और खेकर दरिया की सैर करें। किसकी मजाल थी जो इनकी बात काटता? मगर एक पुराने खिदमतगार ने, जिसने कि वीरेंद्र सिंह को गोद में खिलाया था और अब इन दोनों के साथ रहता था, ऐसा करने से रोका और जब दोनों भाइयों ने न माना तो वो खुद किश्ती पर सवार हो गया। पुराना नौकर होने के ख्याल से दोनों भाई कुछ न बोले, लाचार साथ ले जाना ही पड़ा। आनंद, किश्ती को धारा में ले जाकर बहाव पर छोड़ दीजिए, फिर खेकर ले आवेंगे। इंद्र, अच्छी बात है। सिर्फ 2 घंटे दिन बाकी था जब दोनों भाई किश्ती पर सवार हो दरिया की सैर करने को गए, क्योंकि लौटते समय चांदनी रात का भी आनंद लेना मंजूर था। चुनार से 2 कोस पश्चिम गंगा के किनारे पर एक छोटा सा जंगल था। जब किश्ती उसके पास पहुंची, वंशी की और साथ ही गाने की बारीक सुरीली आवाज इन लोगों के कानों में पड़ी। संगीत एक ऐसी चीज है कि हर एक के दिल को, चाहे वो कैसा ही ना समझ क्यों न हो, अपनी तरफ खींच लेती है। यहाँ तक कि जानवर भी इसके वश में होकर अपने को भूल जाता है। 2-3 दिन से कुन इंद्रजीत सिंह का दिल चुटीला हो रहा था। दरिया की बहार देखना तो दूर रहा, इन्हें अपने तनोबदन की भी सुध न थी। ये तो अपनी प्यारी तस्वीर की धुन में सिर झुकाए बैठे कुछ सोच रहे थे। इनके हिसाब से चारों तरफ सन्नाटा था, मगर इस सुरीली आवाज ने इनकी गर्दन घुमा दी और उस तरफ देखने को मजबूर किया जिधर से वो आ रही थी। किनारे की तरफ देखने से यह तो मालूम न हुआ कि वंशी बजाने या गाने वाला कौन है, मगर इस बात का अंदाजा जरूर मिल गया कि वे लोग बहुत दूर नहीं हैं जिनके गाने की आवाज़ सुनने वालों पर जादू का सा असर कर रही है। इंद्रजीत, आहा, क्या सुरीली आवाज है। आनंद, दूसरी आवाज आई, बेशक कई औरतें मिलकर गा बजा रही हैं। इरंद, किश्ती का मुंह किनारे की तरफ फेर कर
ताज्जुब है कि इन लोगों ने गाने बजाने और दिल बहलाने के लिए ऐसी जगह पसंद की। जरा देखना चाहिए। आनंद, क्या हर्ज है, चलिए। बूढ़े खिदमतगार ने किनारे किश्ती लगाने और उतरने के लिए मना किया और बहुत समझाया, मगर इन दोनों ने न माना। किश्ती किनारे लगाई और उतरकर उस तरफ चले जिधर से आवाज आ रही थी। जंगल में थोड़ी ही दूर जाकर 10-15 नौजवान औरतों का झुंड नजर पड़ा, जो रंग बिरंगी पोशाक और कीमती जेवरों से अपने हुस्न को दूना किए ऊंचे पेड़ से लटकते हुए एक झूले को झूला रही थी। कोई वंशी, कोई मृदंगी बजाती, कोई हाथ से ताल दे देकर गा रही थी। उस हिंडोले पर सिर्फ एक ही औरत गंगा की तरफ रुख किए बैठी थी। ऐसा मालूम होता था मानो परियां साक्षात किसी देवकन्या को झूला झूला और गा बजाकर इसलिए प्रसन्न कर रही हैं कि खूबसूरती बढ़ने और नौजवानी के स्थिर रहने का वरदान पावें। मगर नहीं, उनके भी दिल की दिल ही में रही और कुन इंद्रजीत सिंह तथा आनंद सिंह को आते देख हिंडोले पर बैठी हुई नाजनीन को अकेली छोड़ न जाने क्यों भाग ही जाना पड़ा। आनंद, भैया यह सब तो भाग गई। इंद्र, हाँ मैं इस हिंडोले के पास जाता हूँ, तुम देखो ये औरतें किधर गईं। आनंद, बहुत अच्छा, चाहे जो हो, मगर कुन इंद्रजीत सिंह ने उसे पहचान ही लिया जो हिंडोले पर अकेली रह गई थी। भला यह क्यों न पहचानते जौहरी की नजर दी हुई अंगूठी पर उसकी तस्वीर देख चुके थे। इनके दिल में उसकी तस्वीर खुद गई थी। अब तो मुमांगी मुराद पाए, जिसके लिए अपने को मिटाना मंजूर था, उसे बिना परिश्रम पाया, फिर क्या चाहिए। आनंद सिंह पता लगाने के लिए उन औरतों के पीछे गए, मगर वे ऐसी भागी की झलक तक दिखाई न दी। लाचार आधे घंटे तक हैरान होकर फिर उस हिंडोले के पास पहुँचे। हिंडोले पर बैठी हुई औरत को कौन कहे अपने भाई को भी वहाँ न पाया। घबराकर इधर उधर ढूंढने और पुकारने लगे, यहाँ तक कि रात हो गई और यह सोचकर किश्ती के पास पहुँचे कि शायद वहाँ चले गए हों, लेकिन वहाँ भी सिवाय उस बूढ़े खिदमतगार के किसी दूसरे को न देखा। जी बेचैन हो गया। खिदमतगार को सब हाल बताकर बोले, जब तक अपने प्यारे भाई का पता न लगा लूंगा घर न जाऊंगा, तू जाकर यहाँ का हाल सबों को खबर कर दे। खिदमतगार ने हर तरह से आनंद सिंह को समझाया और घर चलने के लिए कहा, मगर कुछ फायदा न निकला। लाचार उसने किश्ती उसी जगह छोड़ी और पैदल रोता कल्पता किले की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि यहाँ जो कुछ हो चुका था उसका हाल राजा वीरेंद्र सिंह से कहना भी उसने आवश्यक समझा। बयान 4। खिदमतगार ने किले में पहुंचकर और यह सुनकर कि इस समय दोनों राजा एक ही जगह बैठे हैं, कुन इंद्रजीत सिंह के गायब होने का हाल और सबब जो कुन आनंद सिंह की जुबानी सुना था, महाराज सुरेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह के पास हाजिर होकर अर्ज किया। इस खबर के सुनते ही उन दोनों के कलेजे में चोट सी लगी। थोड़ी देर तक घबराहट के सबब कुछ सोच न सके कि क्या करना चाहिए। रात भी एक पहर से ज्यादा जा चुकी थी। आखिर जीत सिंह, तेज सिंह और देवी सिंह को बुलाकर खिदमतगार की जुबानी जो कुछ सुना था कहा और पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तेज सिंह, उस जंगल में इतनी औरतों का इकट्ठे होकर गाना बजाना और इस तरह धोखा देना बेसबब नहीं है। सुरेंद्र, जब से शिवदत्त के उभरने की खबर सुनी है एक खुटका सा बना रहता है, मैं समझता हूँ यह भी उसी की शैतानी है। वीरेंद्र, दोनों लड़के ऐसे कमजोर तो नहीं है कि जिसका जी चाहे पकड़ ले। सुरेंद्र, ठीक है, मगर आनंद का भी वहाँ रह जाना बुरा ही हुआ। तेज, बेचारा खिदमतगार जबरदस्ती साथ हो गया था, नहीं तो पता भी न लगता कि दोनों कहाँ चले गए। खैर, उनके बारे में जो कुछ सोचना है सोचिए, मगर मुझे जल्द इजाजत दीजिए कि 1000 सिपाहियों को साथ लेकर वहाँ जाऊँ और इसी वक्त उस छोटे से जंगल को चारों तरफ से घेर लूँ, फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा। सुरेंद्र, जीत सिंह से क्या राय है? जीत, तेज ठीक कहता है, इसे अभी जाना चाहिए। हुक्म पाते ही तेज सिंह दीवान खाने के ऊपर बुर्ज पर चढ़ गए, जहां बड़ा सा नकारा और उसके पास ही एक भारी चोब इसलिए रखा हुआ था कि वक्त बेवक्त जब कोई जरूरत आ पड़े और फौज को तुरंत तैयार करना हो तो इस नकारे पर चोब मारी जाए। इसकी आवाज भी निराले ढंग की थी, जो किसी नकारे की आवाज से मिलती न थी, और इसे बजाने के लिए तेज सिंह ने कई इशारे भी मुकर्रर किए हुए थे। तेज सिंह ने चोब उठाकर जोर से एक दफे नकारे पर मारा, जिसकी आवाज तमाम शहर में बल्कि दूर दूर तक गूंज गई। चाहे इसका सबब किसी शहर वाले की समझ में न आया हो, मगर सेनापति समझ गया कि इसी वक्त 1000 फौजी सिपाहियों की जरूरत है, जिसका इंतजाम उसने बहुत जल्द किया।
तेज सिंह अपने सामान से तैयार हो किले के बाहर निकले और हजार सिपाही तथा बहुत से मशालचियों को साथ ले उस छोटे से जंगल की तरफ रवाना होकर बहुत जल्दी ही वहां जा पहुंचे। थोड़ी थोड़ी दूर पर पहरा मुकर्रर करके चारों तरफ से उस जंगल को घेर लिया। इंद्रजीत सिंह तो गायब हो ही चुके थे। आनंद सिंह के मिलने की बहुत तरकीब की गई मगर उनका भी पता न लगा। तरदूत में रात बिताए। सवेरा होते ही तेज सिंह ने हुक्म दिया कि एक तरफ से इस जंगल को तेजी के साथ काटना शुरू करो जिसमें दिन भर में तमाम जंगल साफ हो जाए। उसी समय महाराज सुरेंद्र सिंह और जीत सिंह भी वहां आ पहुंचे। जंगल का काटना इन्होंने भी पसंद किया और बोले कि बहुत अच्छा होगा अगर हम लोग इस जंगल से एकदम ही निश्चिंत हो जाएं। इस छोटे जंगल को काटते देर ही कितनी लगनी थी। तिस पर महाराज की मुस्तैई के सबब यहाँ कोई भी ऐसा नजर नहीं आता था जो पेड़ों की कटाई में न लगा हो। दोपहर होते होते जंगल कट के साफ हो गया मगर किसी का कुछ पता न लगा। यहाँ तक कि इंद्रजीत सिंह की तरह आनंद सिंह के भी गायब हो जाने का निश्चय करना पड़ा। हाँ, इस जंगल के अंत में एक कमसिन नौजवान हसीन और बेशकीमती गहने कपड़े से सजी हुई औरत की लाश पाई गई जिसके सिर का पता न था। यह लाश महाराज सुरेंद्र सिंह के पास लाई गई। सबों की परेशानी और बढ़ गई और तरह तरह के ख्याल पैदा होने लगे। लाचार उस लाश को साथ ले शहर की तरफ लौटे। जीत सिंह ने कहा, हम लोग जाते हैं। तारा सिंह को भेज सब यारों को जो शिवदत्त की फिक्र में गए हुए हैं बुलवाकर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की तलाश में भेजेंगे, मगर तुम इसी वक्त उनकी खोज में जहां तुम्हारा दिल गवाही दे जाओ। तेज सिंह अपने सामान से तैयार ही थे, उसी वक्त सलाम कर एक तरफ को रवाना हो गए और महाराज रुमाल से आंखों को पोंछते हुए चुनार की तरफ विदा हुए। उदास और पोतों की जुदाई से दुखी महाराज सुरेंद्र सिंह घर पहुंचे। दोनों लड़कों के गायब होने का हाल चंद्रकांता ने भी सुना। वो बेचारी दुनिया के दुख सुख को अच्छी तरह समझ चुकी थी इसलिए कलेजा महसूस कर रह गई। जाहिर में रोना चिल्लाना उसने पसंद न किया मगर ऐसा करने से उसके नाजुक दिल पर और भी सदमा पहुंचा। घड़ी भर में ही उसकी सूरत बदल गई। चपला और चंपा को चंद्रकांता से कितनी मोहब्बत थी इसको आप लोग खूब जानते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं। दोनों लड़कों के गायब होने का गम इन दोनों को चंद्रकांता से ज्यादा हुआ और दोनों ने निश्चय कर लिया कि मौका पाकर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह का पता लगाने की कोशिश करेंगी। महाराज सुरेंद्र सिंह के आने की खबर पाकर वीरेंद्र सिंह मिलने के लिए उनके पास गए। देवी सिंह भी वहां मौजूद थे। वीरेंद्र सिंह के सामने ही महाराज ने सब हाल देवी सिंह से कहकर पूछा कि अब क्या करना चाहिए। देवी, मैं पहले उस लाश को देखना चाहता हूँ जो उस जंगल में पाई गई थी। सुरेंद्र, हाँ तुम उसे जरूर देखो। जीत चौकीदार से उस लाश को जो जंगल में पाई गई थी इसी जगह लाने के लिए कहो। बहुत अच्छा, कहकर चौकीदार बाहर चला गया मगर थोड़ी ही देर में वापस आकर बोला, महाराज के साथ आते आते न मालूम वो लाश कहाँ गुम हो गई। कई आदमी उसकी खोज में परेशान है मगर पता नहीं लगता। वीरेंद्र, अब फिर हम लोगों को होशियारी से रहने का जमाना आ गया। जब हजारों आदमियों के बीच से लाश गुम हो गई तो मालूम होता है अभी बहुत कुछ उपद्रव होने वाला है। जीत, मैंने तो समझा था कि अब जो कुछ थोड़ी सी उम्र रह गई है आराम से कटेगी, मगर नहीं, ऐसी उम्मीद किसी को कुछ भी न रखनी चाहिए। सुरेंद्र, खैर जो होगा देखा जाएगा, इस समय क्या करना मुनासिब है इसे सोचो। जीत, मेरा विचार था कि तारा सिंह को बद्रीनाथ वगैरह के पास भेजते जिससे वे लोग भैरव सिंह को छुड़ाकर और किसी कार्रवाई में न फंसें और सीधे चले आवें, मगर ऐसा करने को भी जी नहीं चाहता। आज भर आप और सब्र करें, अच्छी तरह सोचकर कल मैं अपनी राय दूंगा। बयान 5। पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण, चुन्नीलाल और जगन्नाथ ज्योतिषी भैरव सिंह अय्यर को छुड़ाने के लिए शिवदत्तगढ़ की तरफ गए। हुक्म के मुताबिक कंचन सिंह सेनापति ने शेर वाले बाबाजी के पीछे जासूस भेजकर पता लगा लिया था कि भैरव सिंह अय्यर शिवदत्तगढ़ किले के अंदर पहुंचाए गए हैं, इसलिए इन अय्यरों को पता लगाने की जरूरत न पड़ी। सीधे शिवदत्तगढ़ पहुंचे और अपनी अपनी सूरत बदलकर शहर में घूमने लगे। पांचों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया मगर यह ठीक कर लिया था कि सब लोग घूम फिरकर फलानी जगह इकट्ठे हो जाएंगे। दिन भर घूम फिरकर भैरव सिंह का पता लगाने के बाद कुछ अय्यर शहर के बाहर एक पहाड़ी पर इकट्ठे हुए और रात भर सलाह करके राय कायम करने में काटी।
दूसरे दिन ये लोग फिर सूरत बदल बदल कर शिवदत्तगढ़ में पहुँचे। राम नारायण और चुन्नीलाल ने अपनी सूरत उसी जगह के चौकीदारों की सी बनाई और वहां पहुंचे जहां भैरव सिंह कैद थे। कई दिनों तक कैद रहने के सबब उन्होंने अपने को जाहिर कर दिया था और असली सूरत में एक कोठरी के अंदर जिसके तीन तरफ लोहे का जंगला लगा हुआ था बंद थे। उसी कोठरी के बगल में उसी तरह की कोठरी और थी जिसमें गद्दी लगाए बूढ़ा दारोगा बैठा था और कई सिपाही नंगी तलवार लिए घूम घूम कर पहरा दे रहे थे। राम नारायण और चुन्नीलाल उस कोठरी के दरवाजे पर जाकर खड़े हुए और बूढ़े दारोगा से बातचीत करने लगे। राम, आपको महाराज ने याद किया है। बूढ़ा, क्यों, क्या काम है? भीतर आओ, बैठो, चलते हैं। राम नारायण और चुन्नीलाल कोठरी के अंदर गए और बोले, राम, मालूम नहीं क्यों बुलाया है मगर ताकीद की है कि जल्द बुला लाओ। बूढ़ा, अभी घंटे भर भी नहीं हुआ जब किसी ने आके कहा था कि महाराज खुद आने वाले हैं, क्या वो बात झूठ थी? राम, हाँ महाराज आने वाले थे मगर अब न आवेंगे। बूढ़ा, अच्छा आप दोनों आदमी इसी जगह बैठें और कैदी की हिफाजत करें। मैं जाता हूँ। राम, बहुत अच्छा। राम नारायण और चुन्नीलाल को कोठरी के अंदर बैठा कर बूढ़ा दारोगा बाहर आया और चालाकी से झट उस कोठरी का दरवाजा बंद करके बाहर से बोला, बंदगी। मैं दोनों को पहचान गया कि ए यार हो, कहिए अब हमारे कैद में आप फंसे या नहीं। मैंने भी क्या मजे में पता लगा लिया, पूछा कि अभी तो मालूम हुआ था कि महाराज खुद आने वाले हैं, आपने भी झट कबूल कर लिया और कहा कि हाँ आने वाले थे मगर अब न आवेंगे, यह न समझे कि मैं धोखा देता हूँ। इसी अक्ल पर अयारी करते हो। खैर आप लोग भी अब इसी कैदखाने की हवा खाइए और जान लीजिए कि मैं बाकरली अयार आप लोगों को मजा चखाने के लिए इस जगह बैठाया गया हूँ। बूढ़े की बात सुन राम नारायण और चुन्नीलाल चुप हो गए बल्कि शर्मा कर सिर नीचा कर लिया। बूढ़ा दारोगा वहां से रवाना हुआ और शिवदत्त के पास पहुंचकर दोनों यारों के गिरफ्तार करने का हाल कहा। महाराज ने खुश होकर बाकर अली को इनाम दिया और खुशी खुशी खुद राम नारायण और चुन्नीलाल को देखने आए। बद्रीनाथ, पन्नालाल और ज्योतिषी जी को भी मालूम हो गया कि हमारे साथियों में से दो यार पकड़े गए, अब तो एक की जगह तीन आदमियों के छुड़ाने की फिक्र करनी पड़ी। कुछ रात गए ये तीनों यार घूम फिरकर शहर से बाहर की तरफ जा रहे थे कि पीछे से एक आदमी काले कपड़े से अपना तमाम बदन छिपाए लपकता हुआ उनके पास आया और लपेटा हुआ एक छोटा सा कागज उनके सामने फेंक और अपने साथ आने के लिए हाथ से इशारा करके तेजी से आगे बढ़ा। बद्रीनाथ ने उस पुर्जे को उठाकर सड़क के किनारे एक बनिए की दुकान पर जलते हुए चिराग की रोशनी में पड़ा। सिर्फ इतना ही लिखा था, भैरव सिंह। बद्रीनाथ समझ गए कि भैरव सिंह किसी तरकीब से निकल भागा और यही जा रहा है। बद्रीनाथ ने भैरव सिंह के हाथ का लिखा भी पहचाना। भैरव सिंह पुर्जा फेंक कर इन तीनों को हाथ के इशारे से बुला गया था और 10-12 कदम आगे बढ़कर अब इन लोगों के आने की राह देख रहा था। बद्रीनाथ वगैरह खुश होकर आगे बढ़े और उस जगह पहुंचे जहां भैरव सिंह काले कपड़े से बदन को छिपाए सड़क के किनारे आड़ देखकर खड़ा था। बातचीत करने का मौका न था। आगे आगे भैरव सिंह और पीछे पीछे बद्रीनाथ, पन्नालाल और ज्योतिषी जी तेजी से कदम बढ़ाते शहर के बाहर हो गए। रात अंधेरी थी। मैदान में जाकर भैरव सिंह ने काला कपड़ा उतार दिया। इन तीनों ने चंद्रमा की रोशनी में भैरव सिंह को पहचाना। खुश होकर बारी बारी से तीनों ने उसे गले लगाया और तब एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर बातचीत करने लगे। बद्री, भैरव सिंह, इस वक्त तुम्हें देखकर तबीयत बहुत ही खुश हुई। भैरव, मैं तो किसी तरह छूट आया मगर रामनारायण और चुन्नीलाल बेढब जा फंसे हैं। ज्योतिषी, उन दोनों ने भी क्या ही धोखा खाया। भैरव, मैं उनके छुड़ाने की भी फिक्र कर रहा हूँ। पन्ना, वो क्या। भैरव, सो सब कहने सुनने का मौका तो रात भर है मगर इस समय मुझे भूख बड़े जोर से लगी है, कुछ हो तो खिलाओ। बद्री, 2-4 पेड़े हैं, जी चाहे तो खा लो। भैरव, इन 2-4 पेड़ों से क्या होगा, खैर पानी का तो बंदोबस्त होना चाहिए। बद्री, फिर क्या करना चाहिए। भैरव, हाथ से इशारा करके, यह देखो शहर के किनारे जो चिराग जल रहा है, अभी देखते आए हैं कि वो हलवाई की दुकान है और वो ताजी पूरियां बना रहा है, बल्कि पानी भी उसी हलवाई से मिल जाएगा। पन्ना, अच्छा मैं जाता हूँ। भैरव, हम लोग भी साथ चलते हैं, सबों का इकट्ठा ही रहना ठीक है, कहीं ऐसा न हो कि आप फंस जाएं और हम लोग राह ही देखते रहें।
पन्ना फंसना क्या खिलवाड़ हो गया। भैरो खैर हर्ज ही क्या है, अगर हम लोग साथ ही चले तीन आदमी किनारे खड़े हो जाएंगे, एक आदमी आगे बढ़कर सौदा ले लेगा। बद्री, हाँ हाँ यही ठीक होगा, चलो हम लोग साथ चलें। चारों अय्यार एक साथ वहाँ से रवाना हुए और उस हलवाई के पास पहुँचे जिसकी अकेली दुकान शहर के किनारे पर थी। बद्रीनाथ, ज्योतिषी जी और भैरव सिंह कुछ इधर खड़े रहे और पन्नालाल सौदा खरीदने दुकान पर गए। जाने के पहले ही भैरव सिंह ने कहा, मिट्टी के बर्तन में पानी भी देने का इकरार हलवाई से पहले कर लेना, नहीं तो पीछे हुज्जत करेगा। पन्नालाल हलवाई की दुकान पर गए और दो सेर पूरी तथा सेर भर मिठाई मांगी। हलवाई ने खुद पूछा कि पानी भी चाहिए या नहीं। पन्ना, हाँ हाँ पानी जरूर देना होगा। हलवाई, कोई बर्तन है? पन्ना, बर्तन तो है मगर छोटा है, तुम ही किसी मिट्टी के ठिलिए में जल दे दो। हलवाई, एक घड़ा जल के लिए 8 आने और देने पड़ेंगे। पन्ना, इतना अंधेर, खैर हम देंगे। पूरी मिठाई और एक घड़ा जल लेकर चारों अय्यार वहां से चले, मगर यह खबर किसी को भी न थी कि कुछ दूर पीछे दो आदमी साथ लिए छिपता हुआ हलवाई भी आ रहा है। मैदान में एक बड़े पत्थर की चट्टान पर बैठ चारों ने भोजन किया, जल पिया और हाथ मुंह धो निश्चिंत हो धीरे धीरे आपस में बातचीत करने लगे। आधा घंटा भी न बीता होगा कि चारों बेहोश होकर चट्टान पर लेट गए और दोनों आदमियों को साथ लिए हलवाई इनकी खोपड़ी पर आ मौजूद हुआ। हलवाई के साथ आए दोनों आदमियों ने बद्रीनाथ, ज्योतिषी जी और पन्नालाल की मुश्के कस डाली और कुछ सुंघा भैरव सिंह को होश में लाकर बोले, वाह जी अजायब सिंह, आपकी चालाकी तो खूब काम कर गई। अब तो शिवदत्तगढ़ में आए हुए पांचों नालायक हमारे हाथ फंसे, महाराज से सबसे ज्यादा इनाम पाने का काम तो आप ही ने किया। बयान 6। बहुत सी तकलीफें उठाकर महाराज सुरेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह तथा इन्हीं की बदौलत चंद्रकांता, चपला, चंपा, तेज सिंह और देवी सिंह वगैरह ने थोड़े दिन खूब सुख लूटा, मगर अब वो जमाना न रहा। सच है, सुख और दुख का पहरा बदलता रहता है। खुशी के दिन बात की बात में निकल गए, कुछ मालूम न पड़ा। यहाँ तक कि मुझे भी कोई बात उन लोगों की लिखने लायक न मिली। लेकिन अब उन लोगों से मुसीबत की घड़ी काटे नहीं कटती। कौन जानता था कि गया गुजरा शिवदत्त फिर बला की तरह निकल आवेगा। किसे खबर थी कि बेचारी चंद्रकांता की गोद से पले पलाए दोनों होनहार लड़के यूं अलग कर दिए जाएंगे। कौन साफ कह सकता था कि इन लोगों की वंशावली और राज्य में जितनी तरक्की होगी, यकायक उतनी ही ज्यादा आफतें आ पड़ेंगी। खैर खुशी के दिन तो उन्होंने काटे, अब मुसीबत की घड़ी कौन झेले। हाँ, बेचारे जगन्नाथ ज्योतिषी ने इतना जरूर कह दिया था कि वीरेंद्र सिंह के राज्य और वंश की बहुत कुछ तरक्की होगी, मगर मुसीबत को लिए हुए। खैर आगे जो कुछ होगा देखा जाएगा, पर इस समय तो सबके सब तरदुद में पड़े हैं। देखिए अपने एकांत के कमरे में महाराज सुरेंद्र सिंह कैसी चिंता में बैठे हैं, और बाईं तरफ गद्दी का कोना दबाए राजा वीरेंद्र सिंह अपने सामने बैठे हुए जीत सिंह की सूरत किस बेचैनी से देख रहे हैं। दोनों बाप बेटा अर्थात देवी सिंह और तारा सिंह अपने पास ऊपर के दर्जे पर बैठे हुए बुजुर्ग और गुरु के समान जीत सिंह की तरफ झुके हुए इस उम्मीद में बैठे हैं कि देखें अब आखिर हुक्म क्या होता है। सिवाय इन लोगों के इस कमरे में और कोई भी नहीं है, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। न मालूम इसके पहले क्या क्या बातें हो चुकी हैं, मगर इस वक्त तो महाराज सुरेंद्र सिंह ने इस सन्नाटे को सिर्फ इतना ही कह के तोड़ा। खैर चंपा और चपला की भी बात मान लेनी चाहिए। जीत जो मर्जी, मगर देवी सिंह के लिए क्या हुक्म होता है? सुरेंद्र, और तो कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही ख्याल है कि चुनार की हिफाजत ऐसे वक्त क्यों कर होगी। जीत, मैं समझता हूँ कि यहाँ की हिफाजत के लिए तारा बहुत है, और फिर वक्त पड़ने पर इस बुढ़ौती में भी मैं कुछ कर गुजरूंगा। सुरेंद्र कुछ मुस्कुराकर और उम्मीद भरी निगाहों से जीत सिंह की तरफ देखकर, खैर जो मुनासिब समझो। जीत, देवी सिंह से लीजिए साहब, अब आपको भी पुरानी कसर निकालने का मौका दिया जाता है, देखें आप क्या करते हैं, ईश्वर इस मुस्तैई को पूरा करें। इतना सुनते ही देवी सिंह उठ खड़े हुए और सलाम कर कमरे के बाहर चले गए। बयान 7। अपने भाई इंद्रजीत सिंह की जुदाई से व्याकुल हो उसी समय आनंद सिंह उस जंगल के बाहर हुए और मैदान में खड़े हो इधर उधर निगाह दौड़ाने लगे। पश्चिम की तरफ दो औरतें घोड़ों पर सवार धीरे धीरे जाती हुई दिखाई पड़ी।
ये तेजी के साथ उस तरफ बढ़े और उन दोनों के पास पहुंचने की उम्मीद में दो कोस तक पीछा किए चले गए, मगर उम्मीद पूरी न हुई क्योंकि पहाड़ी के नीचे पहुंचकर वे दोनों रुकी और अपने पीछे आते हुए आनंद सिंह की तरफ देख घोड़ों को एकदम तेज कर पहाड़ी के बगल में घुसती हुई गायब हो गयी। खूब खिली हुई चांदनी रात होने के सबब से आनंद सिंह को ये दोनों औरतें दिखाई पड़ी और इन्होंने इतनी हिम्मत भी की, पर पहाड़ी के पास पहुंचते ही उन दोनों के भाग जाने से इनको बड़ा ही रंज हुआ। खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। इनको हैरान और सोचते हुए छोड़कर निर्दयी चंद्रमा ने भी धीरे धीरे अपने घर का रास्ता लिया और अपने दुश्मन को जाते देख मौका पाकर अंधेरे ने चारों तरफ हुकूमत जमाए। आनंद सिंह और भी दुखी हुए, क्या करें, कहां जाएं, किससे पूछें कि इंद्रजीत सिंह को कौन ले गया। दूर से एक रोशनी दिखाई पड़ी। गौर करने से मालूम हुआ कि किसी झोपड़ी के आगे आग जल रही है। आनंद सिंह उसी तरफ चले और थोड़ी ही देर में कुटी के पास पहुंचकर देखा कि पत्तों की बनाई हुई हरी झोपड़ी के आगे 8-10 आदमी जमीन पर फर्श बिछाए बैठे हैं, जो कि दाढ़ी और पहराव से साफ मुसलमान मालूम पड़ते हैं। बीच में दो मोमी शमादान जल रहे हैं। एक आदमी फारसी के शेर पढ़कर सुना रहा है और सब वाह वाह की धुन लड़ा रहे हैं। एक तरफ आग जल रही है और दो तीन आदमी कुछ खाने की चीजें पका रहे हैं। आनंद सिंह फर्श के पास जाकर खड़े हो गए। आनंद सिंह को देखते ही सबके सब उठ खड़े हुए और बड़ी इज्जत से उनको फर्श पर बैठाया। उस आदमी ने जो फारसी के शेर पढ़कर सुना रहा था खड़े हो अपनी रंगीली भाषा में कहा, खुदा का शुक्र है कि शाहजादे चुनार ने इस मजलिस में पहुंचकर हम लोगों की इज्जत को फलके हफ्तुम तक पहुंचाया। इस जंगल बियाबान में हम लोग क्या खातिर कर सकते हैं सिवाय इसके कि इनके कदमों को अपनी आंखों पर जगह दें और इत्र व इलायची की पेशकश करें। केवल इतना ही कहकर इत्रदान और इलायची की डिब्बी उनके आगे ले गया। पढ़े लिखे भले आदमियों की खातिर जरूरी समझकर आनंद सिंह ने इत्र सूंघा और इलायची ले ली। इसके बाद इनसे इजाजत लेकर वो फिर फारसी कविता पढ़ने लगा। दूसरे आदमियों ने दो एक तकिए इनके अगल बगल में रख दिए। इत्र की विचित्र खुशबू ने इनको मस्त कर दिया। इनकी पलकें भारी हो गईं और बेहोशी ने धीरे धीरे अपना असर जमा कर इनको फर्श पर सुला दिया। दूसरे दिन दोपहर को आंख खुलने पर इन्होंने अपने को एक दूसरे ही मकान में मसहरी पर पड़ा पाया। घबरा कर उठ बैठे और इधर उधर देखने लगे। 5 कमसिन और खूबसूरत औरतें सामने खड़ी हुई दिखाई दी, जिनमें से एक सरदार की तरह पर कुछ आगे बढ़ी हुई थी। उसके हुस्न और अदा को देख आनंद सिंह दंग हो गए। उसकी बड़ी बड़ी आंखों और बांकी चितवन ने उन्हें आपे से बाहर कर दिया। उसकी जरा सी हंसी ने इनके दिल पर बिजली गिराई और आगे बढ़ हाथ जोड़ इस कहने ने तो और भी सितम ढाया कि क्या आप मुझसे खफा हैं? आनंद सिंह भाई की जुदाई, रात की बात, यारों के धोखे में पड़ना, सब कुछ बिल्कुल भूल गए और उसकी मोहब्बत में चूर हो बोले, तुम्हारी सी परीजमाल से और रंज। वो औरत पलंग पर बैठ गई और आनंद सिंह के गले में हाथ डाल के बोली, खुदा की कसम खाकर कहती हूँ कि साल भर से आपके इश्क ने मुझे बेकार कर दिया। सिवाय आपके ध्यान के खाने पीने की बिल्कुल सुध न रही, मगर मौका न मिलने से लाचार थी। आनंद चौंक कर, है क्या तुम मुसलमान हो जो खुदा की कसम खाती हो? औरत हंसकर, हाँ, क्या मुसलमान बुरे होते हैं? आनंद सिंह यह कहकर उठ खड़े हुए, अफसोस, अगर तुम मुसलमान न होती तो मैं तुम्हें जी जान से प्यार करता, मगर एक औरत के लिए अपना मजहब नहीं बिगाड़ सकता। औरत हाथ थाम कर, देखो बेमुरौवती मत करो, मैं सच कहती हूँ कि अब तुम्हारी जुदाई मुझसे न सही जाएगी। आनंद, मैं भी सच कहता हूँ कि मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। औरत भान से कोड़ कर, क्या यह बात दिल से कहते हो? आनंद, हाँ, बल्कि कसम खाकर। औरत पछताओगे और मुझसी चाहने वाली कभी न पाओगे। आनंद अपना हाथ छुड़ाकर, लानत है ऐसी चाहत पर। औरत तो तुम यहाँ से चले जाओगे। आनंद, जरूर। औरत, मुमकिन नहीं। आनंद, क्या मजाल कि तुम मुझको रोको। औरत, ऐसा ख्याल भी न करना, देखे मुझे कौन रोकता है। कहकर आनंद सिंह उस कमरे के बाहर हुए और उसी कमरे की एक खिड़की जो दीवार में लगी हुई थी खोल वे औरतें वहां से निकल गईं। आनंद सिंह इस उम्मीद में चारों तरफ घूमने लगे कि कहीं रास्ता मिले तो बाहर हो जाएं, मगर उनकी उम्मीद किसी तरह पूरी न हुई। यह मकान बहुत लंबा चौड़ा न था, सिवाय इस कमरे और एक सहन के और कोई जगह इसमें न थी।
चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारों के सिवाय बाहर जाने के लिए कहीं कोई दरवाजा न था। हर तरह से लाचार और दुखी हो फिर उसी पलंग पर आ लेटे और सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। इस कमबख्त से किस तरह जान बचे यह तो हो ही नहीं सकता कि मैं इसे चाहूं या प्यार करूं। राम राम, मुसलमानीन से और इश्क, यह तो सपने में भी नहीं होने का। तब फिर क्या करूं, लाचारी है। जब किसी तरह छुट्टी न देखूंगा तो इस खंजर से जो मेरी कमर में है अपनी जान दे दूंगा। कमर से खंजर निकालना चाहा, देखा तो कमर खाली है। फिर सोचने लगे, गजब हो गया, इस हरामजादी ने तो मुझे किसी लायक न रखा। अगर कोई दुश्मन आ जाए तो मैं क्या कर सकूंगा। बेहया अगर मेरे पास आ जावे तो गला दबा कर मार डालूं। नहीं नहीं, वीरपुत्र होकर स्त्री पर हाथ उठाना यह मुझसे न होगा। तब क्या भूखे प्यासे जान दे देनी पड़ेगी। मुसलमानीन के घर में अन्न जल कैसे ग्रहण करूंगा। हाँ ठीक है, एक सूरत निकल सकती है। दीवार की तरफ देखकर इसी खिड़की से वे लोग बाहर निकल गई हैं। अब की अगर यह खिड़की खुले और वो कमरे में आवे तो मैं जबरदस्ती इसी राह से बाहर हो जाऊंगा। भूखे प्यासे दिन गुजर गया, अंधेरा हुआ। चाहता था कि वही छो खिड़की खुली और चारों औरतों को साथ लिए वो पिशाचिया मौजूद हुई। एक औरत हाथ में रोशनी, दूसरी पानी, तीसरी तरह तरह की मिठाइयों से भरा चांदी का थाल उठाए हुए और चौथी पान का जड़ाऊ डब्बा लिए साथ मौजूद थी। आनंद सिंह पलंग से उठ खड़े हुए और बाहर निकल जाने की उम्मीद में उस खिड़की के अंदर घुसे। उन औरतों ने इन्हें बिल्कुल न रोका क्योंकि वे जानती थी कि सिर्फ इस खिड़की ही के पार चले जाने से उनका काम न चलेगा। खिड़की के पार तो हो गए मगर आगे अंधेरा था। इस छो कोठरी में चारों तरफ घूमे मगर रास्ता न मिला। हाँ, एक तरफ बंद दरवाजा मालूम हुआ जो किसी तरह खुल न सकता था। लाचार फिर उसी कमरे में लौट आए। उस औरत ने हंसकर कहा, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि आप मुझसे अलग नहीं हो सकते। खुदा ने मेरे ही लिए आपको पैदा किया है। अफसोस कि आप मेरी तरफ ख्याल नहीं करते और मुफ्त में अपनी जान गंवाते हैं। बैठिए, खाइए, पीजिए, आनंद कीजिए। किस सोच में पड़े हैं? आनंद, मैं तेरा छुआ खाऊं? औरत, क्यों, क्या हर्ज है? खुदा सबका है, उसी ने हमको भी पैदा किया, आपको भी पैदा किया। जब एक ही बाप के सब लड़के हैं तो आपस में छूत कैसी? आनंद चिढ़कर, खुदा ने हाथी भी पैदा किया, गधा भी पैदा किया, कुत्ता भी पैदा किया, सुअर भी पैदा किया, मुर्गा भी पैदा किया। जब एक ही बाप के सब लड़के हैं तो परहेज काहे का? औरत, खैर खुशी आपकी, न मानिएगा पछताइएगा, अफसोस कीजिएगा और आखिर झक मारकर फिर वही कीजिएगा जो मैं कहती हूँ। भूखे प्यासे जान देना मुश्किल बात है, लो मैं जाती हूँ। खाने पीने का सामान और रोशनी वहीं छोड़ चारों लौंडिये उस खिड़की के अंदर घुस गईं। आनंद सिंह ने चाहा कि जब वो शैतान खिड़की के अंदर जाए तो मैं भी जबरदस्ती साथ हो लूं। या तो पार ही हो जाऊंगा या इसे भी न जाने दूंगा। मगर उनका यह ढंग भी न लगा। वो मदमाती औरत खिड़की में अंदर की तरफ पैर लटका कर बैठ गई और इनसे बात करने लगी। औरत, अच्छा आप मुझसे शादी न करें, इसी तरह मोहब्बत रखें। आनंद, कभी नहीं, चाहे जो हो। औरत हाथ का इशारा करके, अच्छा उस औरत से शादी करेंगे जो आपके पीछे खड़ी है, वो तो हिंदुवानी है। मेरे पीछे दूसरी औरत कहाँ से आई? ताज्जुब से पीछे फिर आनंद सिंह ने देखा। उस नालायक को मौका मिला, खिड़की के अंदर हो झटकेवाड़ बंद कर दिया। आनंद सिंह पूरा धोखा खा गए, हर तरह से हिम्मत टूट गई। लाचार फिर उसी पलंग पर लेट गए। भूख से आंखें निकली आती थी। खाने पीने का सामान मौजूद था मगर वो जहर से भी कई दर्जे बढ़कर था। दिल में समझ लिया कि अब जान गई। कभी उठते, कभी बैठते, कभी दालान के बाहर निकलकर टहलते। आधी रात जाते जाते भूख की कमजोरी ने उन्हें चलने फिरने लायक न रखा। फिर पलंग पर आकर लेट गए और ईश्वर को याद करने लगे। यकायक बाहर धमाके की आवाज आई, जैसे कोई कमरे की छत पर से कूदा हो। आनंद सिंह उठ बैठे और दरवाजे की तरफ देखने लगे। सामने से एक आदमी आता दिखाई पड़ा जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की होगी। सिपाहियाना पोशाक पहरे, ललाट में त्रिपुंड लगाए, कमर में नीमचा खंजर और ऊपर से कमंद लपेटे, बगल में मुसाफिरी का झोला, हाथ में दूध से भरा लोटा लिए आनंद सिंह के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, अफसोस, आप राजकुमार होकर वो काम करना चाहते हैं जो एआरओ जासूसों या अदने सिपाहियों के करने लायक हों। नतीजा यह निकला कि इस चांडालिन के यहाँ फंसना पड़ा।
इस मकान में आए आपको कै दिन हुए? घबराइए मत, मैं आपका दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। इस सिपाही को देख आनंद सिंह ताज्जुब में आ गए और सोचने लगे कि यह कौन है जो ऐसे वक्त में मेरी मदद को पहुँचा। खैर जो भी हो, बेशक यह हमारा खैरख्वाह है, बदख्वाह नहीं। आनंद, जहाँ तक ख्याल करता हूँ यहाँ आए दूसरा दिन है। सिपाही, कुछ अन्न जल तो न किया होगा? आनंद, कुछ नहीं। सिपाही, हाय, राजा वीरेंद्र सिंह के प्यारे लड़के की यह दशा, लीजिए मैं आपको खाने पीने के लिए देता हूँ। आनंद, पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि आपकी जाति उत्तम है और मुझे धोखा देकर अधर्मी करने की नीयत नहीं है। सिपाही, दांत के नीचे जुबान दबा कर, राम राम, ऐसा स्वप्न में भी ख्याल न कीजिएगा कि मैं धोखा देकर आपको अजाति करूंगा। मैंने पहले ही सोचा था कि आप शक करेंगे, इसीलिए ऐसी चीजें लाया हूं जिनके खाने पीने से आप उज्र न करें। पलंग से पर उठिए, बाहर आइए। आनंद सिंह उसके साथ बाहर गए। सिपाही ने लोटा जमीन पर रख दिया और झोले में से कुछ मेवा निकाल उनके हाथ में देकर बोला, लीजिए इसे खाइए, और लोटे की तरफ इशारा करके, यह दूध है, पीजिए। आनंद सिंह की जान में जान आ गई, प्यास और भूख से दम निकला जाता था। ऐसे समय में थोड़े मेवे और दूध मिल जाना क्या थोड़ी खुशी की बात है। मेवा खाया, दूध पिया, जी ठिकाने हुआ। इसके बाद उस सिपाही को धन्यवाद देकर बोले, अब मुझे किसी तरह इस मकान के बाहर कीजिए। सिपाही, मैं आपको इस मकान के बाहर ले चलूंगा, मगर इसकी मजदूरी भी तो मुझे मिलनी चाहिए। आनंद, जो कहिए दूंगा। सिपाही, आपके पास क्या है जो मुझे देंगे? आनंद, इस वक्त भी हजारों रुपए का माल मेरे बदन पर है। सिपाही, मैं यह सब कुछ नहीं चाहता। आनंद, फिर? सिपाही, उसी कमबख्त के बदन पर जो कुछ जेवर है मुझे दीजिए और 1000 अशर्फी। आनंद, यह कैसे हो सकेगा, वो तो यहाँ मौजूद नहीं है, और 1000 अशर्फी भी कहाँ से आवे? सिपाही, उसी से लेकर दीजिए। आनंद, क्या वो मेरे कहने से देगी? सिपाही हंसकर, वो तो आपके लिए जान देने को तैयार है, इतनी रकम की क्या बिसात है। आनंद, तो क्या आप मुझे यहाँ से न छुड़ावेंगे? सिपाही, नहीं, मगर आप कोई चिंता न करें, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कल जब वो राण आवे तो उससे कहिए कि तुमसे मोहब्बत तब करूँगा जब अपने बदन का कुल जेवर और 1000 अशर्फी यहाँ रख दो। उसके दूसरे दिन आओ तो जो कहोगी मैं मानूंगा। तुरंत अशर्फी मंगा देगी और कुल जेवर भी उतार देगी। नालायक बड़ी मालदार है, उसे कम न समझिए। आनंद, खैर जो कहोगे करूंगा। सिपाही, जब तक आप यह न करेंगे मैं आपको इस कैद से न छुड़ाऊंगा। आप यह न सोचिए कि उसे धोखा देकर या जबरदस्ती उस राह से चले जाएंगे जिधर से वो आती जाती है, यह कभी नहीं हो सकेगा। उसके आने जाने के लिए कई रास्ते हैं। आनंद, अगर वो 3-4 दिन न आवे तब? सिपाही, क्या हर्ज है, मैं आपकी बराबर ही सुध लेता रहूंगा और खाने पीने को पहुंचाया करूंगा। आनंद, अच्छा ऐसा ही सही। वो सिपाही कमंद लगाकर छत पर चढ़ा और दीवार फांद मकान के बाहर हो गया। थोड़ी रात बच गई थी जो आनंद सिंह ने इसी सोच विचार में काटी कि यह कौन है जो ऐसे वक्त में मेरी मदद को पहुंचा। इसे लालच बहुत है, कोई अयार मालूम पड़ता है। अयारों का जितना ज्यादा खर्च होता है उतना ही लालच भी करते हैं। खैर कोई हो, अब तो जो कुछ उसने कहा है करना ही पड़ेगा। रात बीत गई, सबेरा हुआ, वो औरत फिर उन्हीं चारों लौंडियों को लिए आ पहुंची। देखा कि आनंद सिंह पलंग पर पड़े हैं और खाने पीने का सामान ज्यों का त्यों उसी जगह रखा है जहां वह रख गई थी। औरत, आप क्यों जिद करके भूखे प्यासे अपनी जान देते हैं? आनंद, इसी तरह मर जाऊंगा मगर तुमसे मोहब्बत न करूंगा। हाँ, अगर एक बात मेरी मानो तो तुम्हारा कहा करूं। औरत खुश होकर और उनके पास बैठकर, जो कहो मैं करने को तैयार हूँ, मगर मुझसे जिद न करो। आनंद, अपने बदन पर से कुल जेवर उतार दो और 1000 अशर्फी मंगा दो। औरत आनंद सिंह के गले में हाथ डालकर, बस इतने ही के लिए? लो मैं अभी देती हूँ। 1000 अशर्फी लाने के लिए उसने दो लौंडियों को कहा और अपने बदन से कुल जेवर उतार दिए। थोड़ी ही देर में वे दोनों लौंडियां अशर्फियों का तोड़ा लिए आ मौजूद हुई। औरत, लीजिए, अब आप खुश हुए, अब तो उज्र नहीं। आनंद, नहीं, मगर एक दिन की और मोहलत मांगता हूँ। कल इसी वक्त तुम आओ, बस मैं तुम्हारा हो जाऊंगा।
औरत, अब यह ढकोसला क्या निकाला, आज भी भूखे प्यासे काटोगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी। आनंद, इसकी फिक्र न करो, मुझे कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने की आदत है। औरत, लाचार, खैर यह भी सही, ठहरिए मैं आती हूँ। इतना कहकर आनंद सिंह को उसी जगह छोड़ चारों लौंडियों को साथ ले वो कमरे के बाहर चली गई। घंटा भर बीतने पर भी वो न लौटी तो आनंद सिंह उठे और कमरे के बाहर जा उसे ढूंढने लगे, मगर कहीं पता न लगा। बाहर की दीवार में छोटी छोटी दो अलमारियां लगी हुई दिखाई दी। अंदाज कर लिया कि शायद उस खिड़की की तरह यह भी बाहर जाने का कोई रास्ता हो और इधर ही से वे लोग निकल गई हों। सोच और फिक्र में तमाम दिन बिताया। पहर रात जाते जाते कल की तरह वही सिपाही फिर पहुंचा और मेवा दूध आनंद सिंह को दिया। आनंद, लीजिए, आपकी फरमाइश तैयार है। सिपाही, तो बस अब आप भी इस मकान के बाहर चलिए। एक रोज के कष्ट में इतनी रकम हाथ आए, क्या बुरा हुआ। सब कुछ सामान अपने कब्जे में करने के बाद सिपाही कमरे के बाहर निकला और सहन में पहुंच कमंड के जरिए से आनंद सिंह को मकान के बाहर निकालने के बाद आप भी बाहर हो गया। मैदान की हवा लगने से आनंद सिंह का जी ठिकाने हुआ, समझे कि अब जान बची। बाहर से देखने पर मालूम हुआ कि यह मकान एक पहाड़ी के अंदर है। कारीगरों ने पत्थर तोड़कर इसे तैयार किया है। इस मकान के अगल बगल में कई सुरंगें भी दिखाई पड़ी। आनंद सिंह को लिए हुए वो सिपाही कुछ दूर चला गया जहां कसे कसाए दो घोड़े पेड़ से बंधे थे। बोला, लीजिए, एक पर आप सवार होइए, दूसरे पर मैं चढ़ता हूँ, चलिए आपको घर तक पहुँचाऊं। आनंद, चुनार यहाँ से कितनी दूर और किस तरफ है। सिपाही, चुनार यहाँ से 20 कोस है, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। इन घोड़ों में इतनी ताकत है कि सबेरा होते होते हम लोगों को चुनार पहुँचा दें। आप घर चलिए, इंद्रजीत सिंह के लिए कुछ फिक्र न कीजिए, उनका पता भी बहुत जल्द लग जाएगा। आपके अयार लोग उनकी खोज में निकले हुए हैं। आनंद, ये घोड़े कहाँ से लाए। सिपाही, कहीं से चुरा लाए, इसका कौन ठिकाना है। आनंद, खैर यह तो बताओ तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। सिपाही, यह मैं नहीं बता सकता और न आपको इसके बारे में कुछ पूछना मुनासिब ही है। आनंद, खैर अगर कहने में कुछ हर्ज हो तो। आनंद सिंह अपना पूरा मतलब कहने भी न पाए थे कि कोई चौंकाने वाली चीज इन्हें नजर आए। स्याह कपड़ा पहरे हुए किसी को अपनी तरफ आते देखा। सिपाही और आनंद सिंह दोनों एक पेड़ की आड़ में हो गए और वो आदमी इनके पास ही से कुछ बड़बड़ाता हुआ निकल गया, जिसे यह गुमान भी न था कि इस जगह पर कोई छिपा हुआ मुझे देख रहा है। उसकी बड़बड़ाहट इन दोनों ने सुनी। वो कहता जाता था, अब मेरा कलेजा ठंडा हुआ, अब मैं घर जाकर बेशक सुख की नींद सोऊंगी और उस हरामजादे की लाश को गीदड़ और कौवे कल दिन भर में खा जाएंगे, जिसने मुझे औरत जानकर दबाना चाहा था और यह न समझा था कि इस औरत का दिल हजार मर्दों से भी बढ़कर है। आनंद सिंह और सिपाही दोनों उसकी तरफ टकटकी लगाए देखते रहे, जिसकी बकवाद से मालूम हो गया था कि कोई औरत है। वो देखते देखते नजरों से गायब हो गई। सिपाही, बेशक इसने कोई खून किया है। आनंद, और वो भी इसी जगह कहीं पास में, खोजने से जरूर पता लगेगा। दोनों आदमी इधर उधर ढूंढने लगे। बहुत तकलीफ करने की नौबत न आई और 10 ही कदम पर एक तड़पती हुई लाश पर इन दोनों की नजर पड़ी। सिपाही ने अपने बगल से एक थैली निकाली और चकमक पत्थर से आग झाड़ मोमबत्ती जलाकर उस तड़पती लाश को देखा। मालूम हुआ कि किसी ने कटार या खंजर इसके कलेजे के पार कर दिया है, खून बराबर बह रहा है। जख्मी पैर पटकता और बोलने की कोशिश करता है, मगर बोला नहीं जाता। सिपाही ने अपनी थैली से एक छोटी बोतल निकाली जिसमें किसी तरह का अर्क भरा हुआ था। उसमें से थोड़ा अर्क जख्मी के मुंह में डाला। गले के नीचे उतरते ही उसमें कुछ बोलने की ताकत आई और बहुत ही धीमी आवाज में उसने नीचे लिखे हुए कई टूटे फूटे शब्द अपने मुंह से निकालने के साथ ही दम तोड़ दिया। अफसोस, यह खूबसूरत पिशाची तेज सिंह की जान मेरी तरह उसके फंदे में। हाय इंद्रजीत सिंह को। उस बेचारे मरने वाले के मुंह से निकले हुए ये दो चार शब्द कैसे ही बेजोड़ क्यों न हो, मगर इन दोनों सुनने वालों के दिलों को तड़पा देने के लिए काफी थे। आनंद सिंह से ज्यादा उस सिपाही को बेचैनी हुई जो अपने में बहुत कुछ कर गुजरने की कुव्वत रखता था और जानता था कि इस वक्त अगर कोई हाथ कुन इंद्रजीत सिंह और तेज सिंह की मदद को बढ़ सकता है तो वो सिर्फ मेरा ही हाथ है। सिपाही कुमार, अब आप घर जाइए,
इन टूटी फूटी बेजोड़ मगर मतलब से भरी बातों को जो इस मरने वाले के मुंह से अनायास निकल पड़ा है सुनकर निश्चय हो गया कि आपके बड़े भाई और एआरओ के सिर ताज तेज सिंह किसी आफत में जो बहुत जल्द तबाह कर देने की कुव्वत रखती है फंस गए हैं। ऐसी हालत में मैं जो बहुत कुछ कर गुजरने का हौसला रखता हूँ किसी तरह नहीं अटक सकता और मेरा मतलब तभी सिद्ध होगा जब उस औरत को खोज निकालूंगा जो अभी यह आफत कर गई और आगे कई तरह के फसाद करने वाली है। आनंद, तुम्हारा कहना बहुत सही है मगर क्या तुम कह सकते हो कि ऐसी खबर पाकर मैं चुपचाप घर चले जाना पसंद करूंगा और जान से ज्यादा प्यारों की मदद से जी चुराऊंगा। सिपाही कुछ सोचकर, अच्छा तो ज्यादा बात करने का मौका नहीं है, चलिए। हाँ सुनिए तो, आपके पास कोई हरबा तो है नहीं? काम पड़ने पर क्या कर सकेंगे, मेरे पास एक खंजर और एक नीमचा है, दोनों में जो चाहे एक आप ले लें। आनंद, बस नीमचा मेरे हवाले कीजिए और चलिए। आनंद सिंह ने नीमचा अपनी कमर में लगाया और सिपाही के साथ पैदल ही उस तरफ को बढ़ते चले जिधर वो खूनी औरत बकती हुई चली गई थी। ये दोनों ठीक उसी पगडंडी के रास्ते को पकड़े हुए थे जिस पर वो औरत गई थी। थोड़ी दूर पर सांस रोककर इधर उधर की आहट लेते, जब कुछ मालूम न होता तो फिर तेजी के साथ बढ़ते चले जाते थे। कोस भर के बाद पहाड़ी उतरने की नौबत पहुंची। वहां ये दोनों फिर रुके और चारों तरफ देखने लगे। छो घंटी बजने की आवाज आए। घंटी किसी खोह या गड्ढे के अंदर बजाई गई थी जो वहां से बहुत करीब था जहां ये दोनों बहादुर खड़े हो इधर उधर देख रहे थे। ये दोनों उसी तरफ मुड़े जिधर से घंटी की आवाज आई थी। फिर आवाज आए, अब तो ये दोनों उस खोह के मुंह पर पहुंच गए जो पहाड़ी की कुछ ढाल उतरकर पगडंडी रास्ते से बाईं तरफ हटकर थी और जिसके अंदर से घंटी की आवाज आई थी। बेधड़क दोनों आदमी खोह के अंदर घुस गए। अब फिर एक बार घंटी बजने की आवाज आई और साथ ही एक रोशनी चमकती हुई दिखाई दी जिसकी वजह से उस खोह का रास्ता साफ मालूम होने लगा। बल्कि उन दोनों ने देखा कि कुछ दूर आगे एक औरत खड़ी है जो रोशनी होते ही बाईं तरफ हटकर किसी दूसरे गड्ढे में उतर गई, जिसका रास्ता बहुत छोटा बल्कि एक ही आदमी के जाने लायक था। इन दोनों को विश्वास हो गया कि वही औरत है जिसकी खोज में हम लोग इधर आए हैं। रोशनी गायब हो गई मगर अंदाज से टटोलते हुए ये दोनों भी उस गड्ढे के मुंह पर पहुंच गए जिसमें वो औरत उतर गई थी। उस पर एक पत्थर अटकाया हुआ था लेकिन उस अंगड़ पत्थर के अगल बगल छोटे छोटे ऐसे कई सुराख थे जिनके जरिए से गड्ढे के अंदर का हाल ये दोनों बखूबी देख सकते थे। दोनों उसी जगह बैठ गए और सुराखों की राह से अंदर का हाल देखने लगे। भीतर रोशनी बखूबी थी। सामने की तरफ चट्टान पर बैठी वही औरत दिखाई पड़ी जिसने अभी तक अपने मुंह से नकाब नहीं उतारी थी और थकावट के सबब लंबी सांस ले रही थी। उसके पास ही एक कमसिन खूबसूरत हबशी छोकरी बड़ा सा छुरा हाथ में लिए खड़ी थी। दूसरी तरफ एक बदसूरत हबशी कुदाल से जमीन खोद रहा था। बीच में छत के सहारे एक उल्टी लाश लटक रही थी। एक तरफ कोने में जल से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा, एक लोटा और कुछ खाने का सामान पड़ा हुआ था। उस गड्ढे में इतना ही कुछ था जो लिख चुके हैं। कुछ देर बाद उस औरत ने अपने मुंह से नकाब उतारी। आहा, क्या खूबसूरत गुलाब सा चेहरा है मगर गुस्से से आंखें ऐसी सुर्ख और भयानक हो रही हैं कि देखने से डर मालूम पड़ता है। वो औरत उठ खड़ी हुई और अपने पास वाली छोकरी के हाथ से छुरा ले उस लटकती हुई लाश के पास पहुंची और दो अंगुल गहरी एक लकीर उसकी पीठ पर खींची। हाय हाय, ऐसी हसीन और इतनी संगदिली, इतनी बेदर्दी, अभी अभी एक खून किए चली आती है और यहाँ पहुंचकर फिर अपने राक्षसीपन का नमूना दिखला रही है। वो लाश किसकी है, कहीं यह भी कोई चुनार का खैरख्वाह या हमारे उपन्यास का पात्र न हो। पीठ पर जख्म खाते ही लाश फड़की। अब मालूम हुआ कि वो मुर्दा नहीं है, कोई जीता आदमी तकलीफ देने के लिए लटकाया गया है। जख्म खाकर लटका हुआ वो आदमी तड़पा और आह भरकर बोला, हाय, मुझे क्यों तकलीफ देती हो, मैं कुछ नहीं जानता। औरत, नहीं तुझे बताना ही होगा, तू खूब जानता है। पीठ पर फिर गहरी छुरी चलाकर, बता बता। उल्टा आदमी, हाय, मुझे एक ही दफे क्यों नहीं मार डालती, मैं किसी का हाल क्या जानूं, मुझे इंद्रजीत से क्या वास्ता। औरत फिर छुरी से काट कर, मैं खूब जानती हूँ, तू बड़ा पाजी है, तुझे सब कुछ मालूम है, बता नहीं तो गोश्त काट काट कर जमीन पर गिरा दूंगी। उल्टा आदमी, हाय, इंद्रजीत सिंह की बदौलत मेरी यह दशा। अभी तक कुन आनंद सिंह और वो सिपाही छिपे छिपे सब कुछ देख रहे थे
मगर जब उस उल्टे हुए आदमी के मुंह से यह निकला कि हाय इंद्रजीत सिंह की बदौलत मेरी यह दशा, तब मारे गुस्से के उनकी आंखों में खून उतर आया। पत्थर हटा, दोनों आदमी बेधड़क अंदर चले गए और उस बेदर्द छुरी चलाने वाली औरत के सामने पहुंच आनंद सिंह ने ललकारा, खबरदार, रख दे छुरा हाथ से। औरत चौंक कर, हैं, तुम यहाँ क्यों चले आए? खैर, अगर आ ही गए हो तो चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखो। यह न समझो कि तुम्हारे धमकाने से मैं डर जाऊंगी। सिपाही की तरफ देखकर, तुम्हारी आंखों में क्या धूल पड़ गई है? अपने हाकिम को नहीं पहचानते? सिपाही खूब गौर से देखकर, हाँ ठीक है, तुम्हारी सभी बातें अनोखी होती हैं। औरत, अच्छा तो आप दोनों आदमी यहाँ से जाइए और मेरे काम में हर्ज न डालिए। सिपाही आनंद सिंह से, चलिए इन्हें छोड़ दीजिए, जो चाहे सो करें, आपका क्या? आनंद कमर से नीमचा निकालकर, वाह क्या कहना है, मैं बिना इस आदमी के छुड़ाए कब तुलने वाला हूँ। औरत हंसकर, मुंह धो रखिए, बहादुर वीरेंद्र सिंह के बहादुर लड़के आनंद सिंह को ऐसी बातों के सुनने की आदत कहाँ, वो दो चार आदमियों को समझते ही क्या थे। मुंह धो रखिए, इतना सुनते ही जोश चढ़ाया, उछलकर एक हाथ नीचमे का लगाया जिससे वो रस्सी कट गई जो उस आदमी के पैर से बंधी हुई थी और जिसके सहारे वो लटक रहा था। साथ ही फुर्ती से उस आदमी को संभाला और जोर से जमीन पर गिरने न दिया। अब तो वो सिपाही भी आनंद सिंह का दुश्मन बन बैठा और ललकार कर बोला, यह क्या लड़कपन है? हम ऊपर लिख चुके हैं कि इस सुरंग में दो औरतें और एक हबशी गुलाम है। अब वो सिपाही भी उनके साथ मिल गया और चारों ने आनंद सिंह को पकड़ लिया। मगर वह रे आनंद सिंह, एक झटका दिया कि चारों दूर जा गिरे। इतने में बाहर से आवाज आई, आनंद सिंह खबरदार, जो किया सो ठीक किया, अब आगे कुछ हौसला मत करना, नहीं तो सजा पाओगे। आनंद सिंह ने घबराकर बाहर की तरफ देखा तो एक योगिनी नजर पड़ी जो जटा बढ़ाए भस्म रमाए गेरुआ वस्त्र पहरे, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में आग से भरा धधकता हुआ खप्पर जिसमें कोई खुशबूदार चीज जल रही थी और बहुत धुआं निकल रहा था, लिए हुए आ मौजूद हुई। ताज्जुब में आकर सभी उसकी सूरत देखने लगे। थोड़ी देर में उस खप्पर से निकला हुआ धुआं सुरंग की कोठरी में भर गया और उसके असर से जितने वहां थे सभी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। बस अकेली वही योगिनी होश में रही जिसने सबों को बेहोश देख कोने में पड़े हुए घड़े से जल निकाल खप्पर की आग बुझा दी। बयान 8। अब थोड़ा सा हाल शिवदत्तगढ़ का भी लिख देना मुनासिब मालूम होता है। यह हम पहले लिख चुके हैं कि महाराज शिवदत्त को एक लड़का और एक लड़की भी हुई थी। इस समय लड़के की उम्र, जिसका नाम भीमसेन है, 18 वर्ष की हो गई थी, पर लड़की किशोरी की उम्र अभी 15 वर्ष से ज्यादा न होगी। इस समय बेचारी किशोरी शिवदत्तगढ़ में मौजूद नहीं है क्योंकि महाराज शिवदत्त ने रंज होकर उसे उसके ननिहाल भेज दिया है। रंज होने का कारण हम यहाँ पर नहीं लिखते क्योंकि यह बहुत पेचीदी बात है, खुलते खुलते खुल जाएगी। भीमसेन शिवदत्तगढ़ में मौजूद है, उसे सिपाहगिरी का बहुत शौक है, बदन में ताकत भी अच्छी है, तलवार खंजर निजा तीर गदा इत्यादि चलाने में होशियार और राजकाज के मामले में भी तेज है, मगर अपने पिता महाराज शिवदत्त की चाल को पसंद नहीं करता, पर फिर भी महाराज शिवदत्त को उससे बहुत ही ज्यादा प्रेम है। एक दिन भीमसेन मामूली तौर पर 20 हमजोलियों को साथ ले घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए शिवदत्तगढ़ के बाहर निकला और एक ऐसे जंगल में गया जिसमें बनेले सुअर बहुत रहते थे। उसका इरादा भी यही था कि घोड़ा दौड़ाकर बरछे से सुअर को मारे। जंगल में घूमने फिरने लगे, एक ताकतवर और मजबूत सुअर भीमसेन की बगल से होता हुआ पूरब की तरफ भागा। भीमसेन ने भी उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया, मगर वो बहुत तेजी के साथ भागा जा रहा था, इसलिए बहुत दूर निकल गया। उसके संगी साथी सब पीछे छूट गए। यकायक भीमसेन ने देखा कि सामने की तरफ जिधर सुअ भागा जाता है, एक औरत घोड़े पर सवार हाथ में बर्छी लिए इस ताक में खड़ी है कि सुअ पास आवे तो बर्छी से मार ले। जब सुअ ऐसे ठिकाने पहुंचा जहां से वो औरत इतनी दूर रह गई जितनी दूर उसके पीछे भीमसेन था, वो बाईं तरफ को मुड़ा और पहले से ज्यादा तेजी के साथ भागा। भीमसेन और वो औरत दोनों ही ने उसके पीछे घोड़ा फेंका, मगर भीमसेन से पहले उस औरत ने पहुंचकर बर्छी मारी जिसके लगते ही वो सुअ गिरा। अपना शिकार एक औरत के हाथ से मरते देख भीमसेन को क्रोध चढ़ाया और आंखें लाल हो गईं। ललकार कर औरत से बोला, तूने मेरे शिकार पर क्यों बर्छी चलाई?
औरत क्या शिकार पर तुम्हारा नाम खुदा हुआ था? भीम क्यों नहीं, मेरा जंगल, मेरा शिकार, इतनी देर से मैं इसके पीछे चला आ रहा हूँ। औरत, वाह रे तेरा जंगल और वाह रे तेरा शिकार। तीन कोस से दौड़े चले आते हैं, एक सुअर न मारा गया। शर्म तो आती नहीं, उल्टे लाल आंखें कर मर्दांगी दिखा रहे हैं। भीम क्या कहूँ, तेरी खूबसूरती पर रहम आता है, औरत समझकर छोड़ देता हूँ, नहीं तो जरूर मजा चखा देता। औरत, मैं भी छोकरा समझकर छोड़ देती हूँ, नहीं तो दोनों कान पकड़कर उखाड़ लेती। भीम दांत पीसकर, बस अब सहा नहीं जाता, जुबान संभाल। औरत, नहीं सहा जाता तो अपने हाथ से अपना मुंह पीट, यहाँ तो जुबान हमेशा यूं ही चलती रही है और चलती रहेगी। इस औरत की खूबसूरती, सवारी का ढंग, बदन की सुडौलता और फुर्ती यहाँ तक चढ़ी बड़ी थी कि आदमी घंटों देखा करे और जी न भरे, मगर इसकी जली कटी बातों ने भीमसेन को आपे से बाहर कर दिया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बिना कुछ सोचे विचारे उस औरत पर बर्छी का वार किया। औरत ने बड़ी फुर्ती से बर्छी को ढाल पर रोका और हंस कर कहा, और जो कुछ हौसला रखता होला। घंटे भर तक दोनों में बर्छी की लड़ाई हुई। इस समय अगर कोई इस फन का उस्ताद होता तो उस औरत की फुर्ती देख बेशक खुश हो जाता और वाह वाह या शाबाश कहे बिना न रहता। आखिर उस औरत की बर्छी जिसका फल जहर से बुझाया हुआ था भीमसेन की जांघ में लगा, जिसके लगते ही तमाम बदन में जहर फैल गया और वो बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ा। बयान 9। भीमसेन के साथियों ने बहुत खोजा मगर भीमसेन का पता न लगा। लाचार कुछ रात आते आते लौट आए और उसी समय महाराज शिवदत्त के पास जाकर अर्ज किया कि आज शिकार खेलने के लिए कुमार जंगल में गए थे, एक बनैले सुअर के पीछे घोड़ा फेंकते हुए न मालूम कहाँ चले गए, बहुत तलाश किया मगर पता न लगा। अपने लड़के के गायब होने का हाल सुन महाराज शिवदत्त बहुत घबरा गए। थोड़ी देर तक तो उन लोगों पर खफा होते रहे जो भीमसेन के साथ थे। आखिर कई जासूसों को बुलाकर भीमसेन का पता लगाने के लिए चारों तरफ रवाना किया और एआरओ को भी हर तरह की ताकीद की, मगर तीन दिन बीत जाने पर भी भीमसेन का पता न लगा। एक दिन लड़के की जुदाई से व्याकुल हो अपने कमरे में अकेले बैठे तरह तरह की बातें सोच रहे थे कि एक खास खिदमतगार ने वहां पहुंच अपने पैर की धमक से उन्हें चौंका दिया। जब वे उस खिदमतगार की तरफ देखने लगे तो उसने एक लिफाफा दिखाकर कहा, चौकीदार ने यह लिफाफा हुजूर को देने के लिए मुझे सौंपा है। उसी चौकीदार की जुबानी मालूम हुआ कि कोई ऊपरी आदमी यह लिफाफा देकर चला गया। चौकीदारों ने उसे रोकना चाहा था मगर वो फुर्ती से निकल गया। महाराज शिवदत्त ने वो लिफाफा लेकर खोला, अपने लड़के भीमसेन के हाथ का लेख पहचान बहुत खुश हुए, मगर चिट्ठी पढ़ लेने से तरद्दुद की निशानी उनके चेहरे पर झलकने लगी। चिट्ठी का मतलब यह था, यह जानकर आपको बहुत रंज होगा कि मुझे एक औरत ने बहादुरी से गिरफ्तार कर लिया, मगर क्या करूं, लाचार हूं। इसका हाल हाजिर होने पर अर्ज करूंगा। इस समय मेरी छुट्टी तभी हो सकती है जब आप वीरेंद्र सिंह के कुल एआरओं को जो आपके यहां कैद हैं छोड़ दें और वे खुशी राजी से अपने घर पहुंच जाएं। मेरा पता लगाना व्यर्थ है, मैं बहुत ही बेढब जगह कैद किया गया हूं। आपका आज्ञाकारी पुत्र भीम। चिट्ठी पढ़कर महाराज शिवदत्त की अजब हालत हो गई। सोचने लगे, क्या भीम एक औरत ने पकड़ लिया, वो बड़ा होशियार ताकतवर और शस्त्र चलाने में निपुण था। नहीं नहीं, उस औरत ने जरूर कोई धोखा दिया होगा, पर अब तो उन एआरओं को छोड़ना ही पड़ेगा जो मेरी कैद में है। हाय, किस मुश्किल से ये एआर गिरफ्तार हुए थे और अब क्या सहज ही में छूटे जाते हैं। खैर लाचारी है, क्या करें। बहुत देर तक सोच विचार कर महाराज शिवदत्त ने बाकर अली एआर को बुलाकर कहा, वीरेंद्र सिंह के एआरओं को छोड़ दो, जब तक वे अपने घर नहीं पहुंचते हमारा लड़का एक औरत की कैद से नहीं छूटता। बाकर ताज्जुब से, यह क्या बात हुजूर ने कही, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। शिवदत्त, भीमसेन को एक औरत ने गिरफ्तार कर लिया है, वो कहती है कि जब तक वीरेंद्र सिंह के एआर न छोड़ दिए जाएंगे तुम भी घर न जाने पाओगे। बाकर, यह कैसे मालूम हुआ। शिवदत्त, चिट्ठी दिखाकर, यह देखो खास भीमसेन के हाथ का लिखा हुआ है, इस चिट्ठी पर किसी तरह का शक नहीं हो सकता। बाकर पढ़कर, ठीक है, इतने दिनों तक कुमार का पता न लगना ही कहे देता था कि उन्हें किसी ने धोखा देकर फंसा लिया, अब यह भी मालूम हो गया कि औरत ने मर्दों के कान काटे हैं। शिवदत्त ताज्जुब है,
एक औरत ने बहादुरी से भीम को कैसे गिरफ्तार कर लिया। खैर, इसका खुलासा हाल तभी मालूम होगा जब भीम से मुलाकात होगी, और जब तक वीरेंद्र सिंह के अयार चुनार नहीं पहुंच जाते, भीम की सूरत देखने को तरसते रहेंगे। तुम जाके उन अयारों को अभी छोड़ दो, मगर यह मत कहना कि तुम लोग फलानी वजह से छोड़े जाते हो, बल्कि यह कहना कि हमसे और वीरेंद्र सिंह से सुलह हो गई। तुम जल्द चुनार जाओ। ऐसा कहने से वे कहीं न रुककर सीधे चुनार चले जाएंगे। बाकरली महाराज शिवदत्त के पास से उठा और वहां पहुंचा जहां बद्रीनाथ वगैरह अयार कैद थे। सबों को कैद खाने से बाहर किया और कहा, अब आप लोगों से हमसे कोई दुश्मनी नहीं, आप लोग अपने घर जाइए, क्योंकि हमारे महाराज से और राजा वीरेंद्र सिंह से सुलह हो गई। बद्रीनाथ, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी का मौका है, पर अगर आपका कहना ठीक है तो हमारी अयारी के बटुए और खंजर भी दे दीजिए। बाकर, हाँ हाँ लीजिए, इसमें क्या उज्र है, अभी मंगाए देता हूँ, बल्कि मैं खुद जाकर ले आता हूँ। दो तीन अयारों को साथ ले अयारों के बटुए वगैरह लेने के लिए बाकरली अपने मकान की तरफ भागा। इधर पंडित बद्रीनाथ और पन्नालाल वगैरह निराला पाकर आपस में बातें करने लगे। पन्ना, क्यों यारो, ये क्या मामला है जो आज हम लोग छोड़े जाते हैं? राम, सुलह वाली बात तो हमारी तबीयत में नहीं बैठती। चुन्नी, अजी कैसी सुलह और कहां मिल, जरूर कोई दूसरा ही मामला है। ज्योतिषी, बेशक शिवदत्त लाचार होकर हम लोगों को छोड़ रहा है। बद्री, क्यों साहब भैरव सिंह, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? भैरो, सोचेंगे क्या, असल बात जो है मैं समझ गया। बद्री, भला कहिए तो सही क्या समझे? भैरो, इसमें शक नहीं कि हमारे साथियों में से किसी ने यहाँ के किसी मुर्धर को पकड़ लिया है और इनको कहला भेजा है कि जब तक हमारे अयार चुनार न पहुँच जाएंगे उसको न छोड़ेंगे। बस इसी से ये बातें बनाई जा रही हैं, जिससे हम लोग जल्दी चुनार पहुँचें। बद्री, शाबाश, बहुत ठीक सोचा, इसमें कोई शक नहीं। मैं समझता हूँ कि शिवदत्त की जोरू लड़का या लड़की पकड़ी गई है तभी वो इतना कर रहा है, नहीं तो दूसरे की वो परवाह करने वाला नहीं है। तिस पर हम लोगों के मुकाबले में भैरो, बस बस यही बात है, और अब हम लोग सीधे चुनार क्यों जाने लगे जब तक कुछ दक्षिणा न ले लें? बद्री, देखो तो क्या दिल लगी मचाता हूँ। भैरो, हंसकर, मैं तो शिवदत्त से साफ कहूँगा कि मेरे पैरों में दर्द है, 3 महीने में भी चुनार नहीं पहुंच सकता, घोड़े पर सवार होना मुश्किल है, बैल की सवारी से कसम खा चुका हूँ, पालकी पर घायल बीमार या अमीर लोग चढ़ते हैं, बस बिना हाथी के मेरा काम नहीं चलता, सो भी बिना हौदे के चढ़ने की आदत नहीं। तेजु सिंह दीवान का लड़का बिना चांदी सोने के हौदे पर चढ़ नहीं सकता। चुन्नी भाई, बाकर ने मुझे बेधब छकाया है, मैं तो जब तक बाकर की आधा माशे नाक न ले लूंगा यहाँ से टलने वाला नहीं, चाहे जान रहे या जाए। चुन्नी लाल की बात सुनकर सभी हंस पड़े और देर तक इसी तरह की बातचीत करते रहे। तब तक बाकरली भी इन लोगों के बटुए और खंजर लिए हुए आ पहुंचा। बाकर, लो साहबो, ये आपके बटुए और खंजर हाजिर हैं। बद्री, क्यों यार, कुछ चुराया तो नहीं? और तो खैर, बस मुझे अपनी अशर्फियों का धोखा है, हम लोगों के बटुए में खूब मजेदार चमकती हुई अशर्फियां थीं। बाकर, अब लगे झूठ मूठ का बखेड़ा मचाने। राम, मुंह बनाकर हैं, सच कहना, इन बातों से तो मालूम होता है अशर्फियां डकार गए। पन्नालाल वगैरह की तरफ देखकर, लो भाइयों, अपनी चीजें देख लो। पन्ना, देखें क्या, हम लोग जब चुनार से चले थे तो 100-100 अशर्फियां सबों को खर्च के लिए मिली थी, वे सब ज्यों की त्यों बटुए में मौजूद थी। भैरो, भाई मेरे पास तो अशर्फियां नहीं थी, हाँ एक छोपुटरी जवाहरात की जरूर थी, सो गायब है। अब कहिए, इतनी बड़ी रकम कैसे छोड़कर चुनार जाएं? बद्री, अच्छी दिल लगी है, दोनों राजों में सुलह हो गई और इस खुशी में लुट गए हम लोग, चलो एक दफे महाराज शिवदत्त से अर्ज करें, अगर सुनेंगे तो बेहतर है, नहीं तो इसी जगह अपना गला काट कर रख जाएंगे, धन दौलत लुटाकर चुनार जाना हमें मंजूर नहीं। बाकर अली हैरान कि इन लोगों ने अजब उधम मचा रखा है, कोई कहता है मेरी अशर्फियां गायब हैं, कोई कहता है मेरी जवाहरात की गठरी गुम हो गई, कोई कहता है हम लुट गए, अब क्या किया जाए, हम तो इस फिक्र में हैं कि जिस तरह हो ये लोग जल्द चुनार पहुंचे जिससे भीमसेन की जान बचे, मगर ये लोग तो खमीरी आटे की तरह फैले ही जाते हैं, खैर एक दफे इनको धमकी देनी चाहिए।
बाकर, देखो तुम लोग बदमाशी करोगे तो फिर कैद कर लिए जाओगे। बद्री, जी हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पन्ना, ठीक है, जरूर कैद कर लिए जाएंगे, क्योंकि अपनी जमा मांग रहे हैं। चुपचाप चले जाएं तो बेहतर है, जिससे बखूबी रकम पचा जाओ और कोई सुनने न पावे। भैरो, यह धमकी तो आप अपने घर में खर्च कीजिएगा। भलमनसी इसी में है कि हम लोगों की जमा बाएं हाथ से रख दीजिए, और नहीं तो चलिए राजा साहब के पास, जो कुछ होगा उन्हीं के सामने निपट लेंगे। बाकर, अच्छी बात है, चलिए, सब चलिए, चलिए। यह मस्खरों का झुंड बाकरली के साथ महाराज शिवदत्त के पास पहुंचा। बाकर, महाराज देखिए ये लोग झगड़ा मचाते हैं। भैरो, जी हाँ, कोई अपनी जमा मांगे तो कहिए, झगड़ा मचाते हैं। शिव, क्या मामला है? भैरो, महाराज मुझसे सुनिए, जब हमारे सरकार से और आपसे सुलह हो गई और हम लोग छोड़ दिए गए तो हम लोगों की वे चीजें भी मिल जानी चाहिए जो कैद होते समय जब्त कर ली गई थी। शिव, क्यों नहीं मिलेंगी? भैरो, ईश्वर आपको सलामत रखे, क्या इंसाफ किया है। आगे सुनिए, जब हम लोगों ने अपनी चीजें मियां बाकर से मांगी तो बस बटुआ और खंजर तो दे दिया, मगर बटुए में जो कुछ रकम थी गायब कर गए। दो दो, चार चार अशर्फियां और दस दस, बीस बीस रुपए तो छोड़ दिए, बाकी अपने कब्र में गाड़ आए। अब इंसाफ आपके हाथ है। शिव, बाकर से क्यों जी, यह क्या मामला है? बाकर, महाराज ये सब झूठे हैं। भैरो, जी हाँ, हम सबके सब झूठे हैं और आप अकेले सच्चे हैं। शिव, भैरो से खैर जाने दो, तुम लोगों का जो कुछ गया है हमसे लेकर अपने घर जाओ, हम बाकर से समझ लेंगे। भैरो, महाराज सौ सौ अशर्फियां तो इन लोगों की गई हैं, और एक गठरी जवाहिरात की मेरी गई है। अब बहुत बखेड़ा कौन करे, बस 1000 अशर्फियां मंगवा दीजिए, हम लोग अपने घर का रास्ता लें। रकम तो ज्यादा गई है, मगर आपका क्या कसूर? बाकर, यारो गजब मत करो। भैरो, हाँ साहब हम लोग गजब करते हैं, खैर लीजिए अब एक पैसा न मांगेंगे, जी में समझ लेंगे खैरात किया, अब चुनार भी न जाएंगे। उठना चाहता है। शिव, अजी घबराते क्यों हो, जो कुछ तुमने कहा है हम देते हैं। बाकर से क्या तुम्हारी शामत आई है? महाराज शिवदत्त ने बाकर अली को ऐसी डांट बताई कि बेचारा चुपके से दूर जा खड़ा हुआ। 1000 अशर्फियां मंगवा कर भैरो सिंह के आगे रख दी गईं। ये लोग अपने बटुओं में रख उठ खड़े हुए, यह भी न पूछा कि तुम्हारा कौन कैद हो गया जिसके लिए इतना सह रहे हो। हाँ, शिवदत्तगढ़ के बाहर होते होते इन लोगों ने पता लगा ही लिया कि भीमसेन किसी अय्यार के पंजे में पड़ गया है। शिवदत्तगढ़ के बाहर हो सीधे चुनार का रास्ता किया। दूसरे दिन शाम को जब चुनार 15 कोस बाकी रह गया, सामने से एक सवार घोड़ा फेंकता हुआ इसी तरफ आता दिखाई पड़ा। पास आने पर भैरो सिंह ने पहचाना कि शिवदत्त का लड़का भीमसेन है। भीमसेन ने इन अय्यारों के पास पहुंचकर घोड़ा रोका और हंसकर भैरो सिंह की तरफ देखा, जिसे वो बखूबी पहचानता था। भैरो, क्यों साहब, आपको छुट्टी मिली? अपने साथियों की तरफ देखकर, महाराज शिवदत्त के पुत्र कुमार भीमसेन यही हैं। भीम, आप ही लोगों की रिहाई पर मेरी छुट्टी बदी थी, आप लोग चले आए तो मैं क्यों रोका जाता? भैरो, हमारे किस साथी ने आपको गिरफ्तार किया? भीम, सो मुझे मालूम नहीं, शिकार खेलते समय घोड़े पर सवार एक औरत ने पहुंचकर नेजे से मुझे जख्मी किया, जब मैं बेहोश हो गया मुश्के बांध एक खोह में ले गई और इलाज करके आराम किया, आगे का हाल आप जानते हैं। मुझे यह न मालूम हुआ कि वो औरत कौन थी, मगर इसमें शक नहीं की थी वो औरत ही। भैरो, खैर अब आप अपने घर जाइए, मगर देखिए, आपके पिता ने व्यर्थ हम लोगों से वैर बांध रखा है। जब वे राजकुमार वीरेंद्र सिंह के कैदी हो गए थे, उस वक्त हमारे महाराज सुरेंद्र सिंह ने उन्हें बहुत तरह से समझाकर कहा कि आप हम लोगों से वैर छोड़ चुनार में रहें, हम चुनार की गद्दी आपको फेर देते हैं। उस समय तो हजरत को फकीरी सूझी थी, योगाभ्यास की धुन में प्राण की जगह बुद्धि को ब्रह्मांड में चढ़ा ले गए थे, लेकिन अब फिर गुदगुदी मालूम होने लगी। खैर हमें क्या, उनकी किस्मत में जन्म भर दुख ही भोगना बदा है तो कोई क्या करे। इतना भी नहीं सोचते कि जब चुनार के मालिक थे तब तो कुन वीरेंद्र सिंह से जीते नहीं, अब न मालूम क्या कर लेंगे। भीम, मैं सच कहता हूँ कि उनकी बातें मुझे पसंद नहीं, मगर क्या करूं? पिता के विरुद्ध होना धर्म नहीं। भैरो, ईश्वर करे इसी तरह आपकी धर्म में बुद्धि बनी रहे, अच्छा जाइए।
भीमसेन ने अपने घर का रास्ता लिया और हमारे चोखे यारों ने चुनार की सड़क नापी। बयान 10। अब हम अपने पाठकों को फिर उसी खोह में ले चलते हैं जिसमें कुना आनंद सिंह को बेहोश छोड़ आए हैं, अथवा जिस खोह में जान बचाने वाले सिपाही के साथ पहुंचकर उन्होंने एक औरत को छुरे से लाश काटते देखा था और योगिनी ने पहुंचकर सबों को बेहोश कर दिया था। थोड़ी देर के बाद आनंद सिंह को छोड़ योगिनी बाकी सबों को कुछ सुंघा कर होश में लाए। बेहोश आनंद सिंह उठाकर एक किनारे रख दिए गए और फिर वही काम अर्थात लटकते हुए आदमी को छुरे से काट काट कर पूछना कि इंद्रजीत सिंह के बारे में जो कुछ जानता है बता, जारी हुआ। सिपाही ने भी उन लोगों का साथ दिया, मगर वो आदमी भी कितना जिद्दी था, बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए, मगर जब तक होश में रहा यही कहता गया कि हम कुछ नहीं जानते, हबशी ने पहले ही से कब्र खोद रखी थी। दम निकल जाने पर वो आदमी उसी में गाड़ दिया गया। इस काम से छुट्टी पा योगिनी ने सिपाही की तरफ देखकर कहा, बाहर जंगल से लकड़ी काट काम चलाने लायक एक छो डोली बना लो, उस पर आनंद सिंह को रख तुम और हबशी मिलकर उठा ले जाओ, चुनार के किले के पास इनको रख देना जिससे होश आने पर घर पहुंच जायम, तकलीफ न हो, बल्कि होश में लाने की तरकीब करके तुम इनसे अलग होना और जहां जी चाहे चले जाना, हम लोगों से अगर मिलने की जरूरत हो तो इसी जगह आना। सिपाही, मेरी भी यही राय थी, आनंद सिंह को तकलीफ क्यों होने लगी, क्या मुझको इसका ख्याल नहीं? योगिनी, क्यों नहीं, बल्कि मुझसे ज्यादा होगा। अच्छा तुम जाओ, जिस तरह बने इस काम को कर लो, हम लोग अब अपने काम पर जाती हैं। दूसरी औरत की तरफ देखकर जिसने छुरी से उस लाश को काटा था, चलो बहन चले, इस छोकरी को इसी जगह छोड़ दो, मजे में रहेगी, फिर बूझा जाएगा। इन दोनों औरतों का अभी बहुत कुछ हाल हमें लिखना है, इसलिए जब तक इन दोनों का असल भेद और नाम न मालूम हो जाए तब तक पाठकों के समझने के लिए कोई फर्जी नाम जरूर रख देना चाहिए। एक का नाम तो योगिनी रख ही दिया गया, दूसरी का वंचरी समझ लीजिए। योगिनी और वंचरी दोनों खोह के बाहर निकली और कुछ दक्षिण झुकते हुए पूरब का रास्ता लिया। इस समय रात बीत चुकी थी और सुबह की सफेदी के साथ लुपलुपाते हुए दो चार तारे आसमान पर दिखाई दे रहे थे। पहर दिन चढ़े तक ये दोनों बराबर चलती गईं। जब धूप कुछ कड़ी हुई जंगल में एक जगह बेल के पेड़ों की घनी छांह देखकर टिक गईं, जिसके पास पानी का झरना बह रहा था। दोनों ने कमर से बटुआ खोला और कुछ मेवा निकाल कर खाने तथा पानी पीने के बाद जमीन पर नर्म नर्म पत्ते बिछाकर सो रहीं। ये दोनों तमाम रात की जागी हुई थीं। लेटते ही नींद आ गई, दोपहर तक खूब सोईं। जब पहर दिन बाकी रहा उठ बैठी और चश्मे के पानी से हाथ मुंह धो फिर चल पड़ी। इस तरह मौके मौके पर टिकती हुई ये दोनों कई दिन तक बराबर चलती गईं। एक दिन आधी रात तक बराबर चले जाने के बाद एक तालाब के किनारे पहुंची जो बगल वाली पहाड़ी के नीचे सटा हुआ था। इस लंबे चौड़े संगीन और निहायत खूबसूरत तालाब के चारों तरफ पत्थर की सीढ़ियां और छोटी छोटी बारहदरियां इस तौर पर बनी हुई थीं जो बिल्कुल जल के किनारे ही पड़ती थी। तालाब के ऊपर भी चारों तरफ पत्थर का फर्श और बैठने के लिए हर एक तरफ सिंहासन की तरह चार चार चबूतरे निहायत खूबसूरत मौजूद थे। ताज्जुब की बात यह थी कि इस तालाब के बीच का जाट लकड़ी की जगह पीतल का इतना मोटा बना हुआ था कि दोनों तरफ दो आदमी खड़े होकर हाथ नहीं मिला सकते थे। जाट के ऊपर लोहे का एक बदसूरत आदमी का चेहरा बैठाया हुआ था। तालाब के ऊपर चारों तरफ बड़े बड़े सायेदार दरख्त ऐसे घने लगे हुए थे कि सबों की डालियां आपस में गुंथ रही थी। दोनों उस तालाब पर खड़े होकर उसकी शोभा देखने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों एक चबूतरे पर बैठ गई, मगर मुंह तालाब ही की तरफ किए हुए थी। यकायक जाट के पास का पानी खलबलाया और एक आदमी तैरता हुआ जल के ऊपर दिखाई दिया। इन दोनों की टकटकी उसी तरफ बंद गई। वो आदमी किनारे आया और ऊपर की सीढ़ी पर खड़ा हो चारों तरफ देखने लगा। अब मालूम हो गया कि वो औरत है। योगिनी और वंचरी ने चबूतरे के नीचे होकर अपने को छिपा लिया, मगर उस औरत की तरफ बराबर देखती रहीं। उस औरत की उम्र बहुत कम मालूम होती थी जो अभी अभी तालाब से बाहर हो इधर उधर सन्नाटा देख हवा में अपनी धोती सुखा रही थी। थोड़ी ही देर में साड़ी सूख गई, जिसे पहनकर उसने एक तरफ का रास्ता लिया। मालूम होता है योगिनी और वंचरी इसी की ताक में बैठी थी, क्योंकि जैसे ही वो औरत वहां से चल खड़ी हुई वैसे ही ये दोनों उस पर लपकी और जबरदस्ती गिरफ्तार कर लेना चाहा।
मगर वो कमसिन औरत इन दोनों को अपनी तरफ आते देख और इन दोनों के मुकाबले अपनी जीत न समझकर लौट पड़ी और फुर्ती के साथ उन दरख्तों में से एक पर चढ़ गई जो उस तालाब के चारों तरफ लगे हुए थे। योगिनी और वंचरी दोनों उस दरख्त के नीचे पहुंची। योगिनी खड़ी रही और वंचरी उसे पकड़ने के लिए ऊपर चढ़ी। हम ऊपर लिखाए हैं कि यह दरख्त इतने पास पास लगे हुए थे कि सबों की डालियां आपस में गुंथ रही थी। वंचरी को पेड़ पर चढ़ते देख वो जलचरी ऊपर ही ऊपर दूसरे पेड़ पर कूद गई। यह देख योगिनी ने उसके आगे वाले तीसरे पेड़ को जा घेरा, जिससे वो बीच ही में फंसी रह जाए और आगे न जाने पावे, मगर वो चालाकी भी न लगी। जब उस औरत ने अपने बगल वाले पेड़ को दुश्मनों से घिरा हुआ पाया, पेड़ के नीचे उतर आई और तालाब की सीढ़ियों को तय करते हुए धम से जल में कूद पड़ी। योगिनी और वंचरी भी साथ ही पेड़ से उतरी और उसके पीछे जाकर इन दोनों ने भी अपने को जल में डाल दिया। बयान 11। सूर्य भगवान अस्त होने के लिए जल्दी कर रहे हैं। शाम की ठंडी हवा अपनी चाल दिखा रही है। आसमान साफ है क्योंकि अभी अभी पानी बरस चुका है और पछुआ हवा ने रूई के पहल की तरह जमे हुए बादलों को तूम तूम कर उड़ा दिया है। अस्त होते हुए सूर्य की लालिमा ने आसमान पर अपना दखल जमा लिया है और निकले हुए इंद्रधनुष पर की शोभा और उसके रंगदार जौहर को अच्छी तरह उभार रखा है। बाग की रविशों पर जिन पर कुदरती भिष्टी अभी घंटा भर हुआ छिड़काव कर गया है, घूम घूम कर देखने से धुले धुलाए रंग बिरंगे पत्तों की कैफियत और उन सफेद कलियों की बहार दिल और जिगर को क्या ही ताकत दे रही है, जिनके एक तरफ का रंग तो असली मगर दूसरा हिस्सा अस्त होते हुए सूर्य की लालिमा पड़ने से ठीक सुनहला हो रहा है। उस तरफ से आए हुए खुशबू के झपेटे कह देते हैं कि अभी तक तो आप दृष्टांत ही में अनहोनी समझकर कहा सुना करते थे, मगर आज सोने और सुगंध वाली कहावत देखिए, अपनी आँखों के सामने मौजूद ये अदखिली कलियाँ सच किए देती हैं। चमेली की टट्टियों में नाजुक नाजुक सफेद फूल तो खिले हुए ही हैं, मगर कहीं कहीं पत्तियों में से छनकर आई हुई सूर्य की आखिरी किरणें धोखे में डालती हैं। यह समझकर कि आज इन्हीं सफेद चमेलियों में जर्द चमेली भी खिली हुई है, शौक भरा हाथ बिना बड़े नहीं रहता। सामने की बनाई हुई सब्जी जिसकी दूब सावधानी से काट कर मौलियों ने सब्ज मखमली फर्श का नमूना दिखला दिया है, आँखों को क्या ही तरावट दे रही है। देखिए उसी के चारों तरफ सजे हुए गमलों में खुश रंग पत्तों वाले छोटे छोटे जंगली पौधे अपने हुस्न और जमाल के घमंड में कैसे ऐंठे जाते हैं। हर एक रविशों और क्यारियों के किनारे गुलमेहदी के पेड़ ठीक पलटनों की कतार की तरह खड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि छुटपने ही से उनकी फैली हुई डालियां काटकर मौलियों ने मनमानी सूरतें बना डाली हैं। कहने ही को सूरजमुखी का फूल सूर्य की तरफ घूमा रहता है, मगर नहीं, यहां तो देखिए सामने सूरजमुखी के कितने ही पेड़ लगे हैं जिनके बड़े बड़े फूल अस्त होते हुए दिवाकर की तरफ पीठ किए हसरत भरी निगाहों से देखती हुई उस हसीन नाजनीन को अलौकिक रूप की छटा दे रहे हैं, जो उस बाग में बीचों बीच बने हुए कमरे की छत पर खड़ी उसी तरफ देख रही है जिधर सूर्य भगवान अस्त होते दिख रहे हैं। उधर ही से बाग में आने का रास्ता है, मालूम होता है वो किसी आने वाले की राह देख रही है। तभी तो सूर्य की किरणों को सहकर भी एकटक उधर ही ध्यान लगाए है। इस कमसिन परिजमाल का चेहरा पसीने से भर गया, मगर किसी आने वाले की सूरत न दिख पड़ी। घबराकर बाएं हाथ अर्थात दक्षिण तरफ मुड़ी और उस बनावटी छोटे से पहाड़ को देखकर दिल बहलाना चाहा जिसमें रंग बिरंगे खुशनुमा पत्तों वाले करोटन, कॉलियस, बर्बीना, बिगुनिया, मॉस इत्यादि पहाड़ों पर के छोटे छोटे पौधे बहुत ही कारीगरी से लगाए हुए थे और बीच में मौके मौके से घुमा फिराकर पेड़ों को तरी पहुंचाने और पहाड़ी की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए नहर काटी हुई थी। ऊपर ढांचा खड़ा करके निहायत खूबसूरत रेशमी जाल इसलिए डाला हुआ था कि हर तरह की बोलियों से दिल खुश करने वाली उन रंग बिरंगी नाजुक चिड़ियों के उड़ जाने का खौफ न रहे जो उनके अंदर छोड़ी हुई हैं और इस समय शाम होते देख अपने घोंसलों में जो पत्तों के गुच्छों में बनाए हैं जा बैठने के लिए उतावली हो रही हैं। हाय इस पहाड़ी की खूबसूरती से भी उसका परेशान और किसी की जुदाई में व्याकुल दिल न बहला। लाचार छत के ऊपर की तरफ खड़ी हो उन तरह तरह के नक्शों वाली क्यारियों को देख अपने घबराए हुए दिल को फुसलाना चाहा, जिनमें नीले, पीले, हरे, लाल, चौरंगे नाजुक मौसमी फूलों के छोटे छोटे तख्ते सजाए हुए थे जिनके देखने से बेशकीमती गलीचे का गुमान हो रहा था और उसी के बीच में एक चक्करदार फव्वारा छूट रहा था जिसके बारीक धारों का जाल दूर दूर तक फैल रहा था।
रंग बिरंगी तितलियां उड़कर उन रंगीन फूलों पर इस तरह बैठती थी कि फूलों में और उनमें बिल्कुल फर्क नहीं मालूम पड़ता था, जब तक कि वे फिर से उड़कर किसी दूसरे फूलों के गुच्छों पर न जा बैठती। इन फूलों और फव्वारों के छींटों ने भी उसके मन की कली न खिलाई। लाचार वो पूरब तरफ आई और अपनी उन सखियों की कार्रवाई देखने लगी जो चुन चुन कर खुशबूदार फूलों के गजरों और गुच्छों को बनाने में अपने नाजुक हाथों को तकलीफ दे रही थी। कोई अंगूर की टट्टियों में घुसकर लाल पके हुए अंगूरों की ताक में थी, कोई पके हुए आम तोड़ने की धुन में उन पेड़ों की डालियों तक लग्घे पहुंचा रही थी जिनके नीचे चारों तरफ गड्ढे खुदवा कर इसलिए जल से भरवा दिए गए थे कि पेड़ से गिरे हुए आम टुटीले न होने पावे। अब सूर्य की लालिमा बिल्कुल जाती रही और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। वो बेचारी किसी तरह अपने दिल को न बहला सकी, बल्कि अंधेरे में बाग के चारों तरफ के बड़े बड़े पेड़ों की सूरत डरावनी मालूम होने लगी। दिल की धड़कन बढ़ती ही गई। लाचार वो छत से नीचे उतर आई और एक सजे सजाए कमरे में चली गई। इस कमरे की सजावट मुख्तसर ही थी। एक झाड़ और 10-12 हांडियां छत से लटक रही थी। चारों तरफ दुशाखी दीवारगीरों में मोमबत्तियां जल रही थी। जमीन पर फर्श बिछा हुआ था और एक तरफ गद्दी लगी हुई थी जिसके आगे दो फर्शी झाड़ अपनी चमक दमक दिखा रहे थे। उनके बगल ही में एक मसहरी थी जिस पर थोड़े से खुशबूदार फूल और 2-3 गजरे दिखाई दे रहे थे। अच्छे अच्छे कपड़ों और गहनों से दिमागदार बनी हुई 10-12 कमसिन छोकरियां भी इधर उधर घूम घूम कर ताकों आलोक पर रखे हुए गुलदस्तों में फूलों के गुच्छे सजा रही थी। वो नाजनीन जिसका नाम किशोरी था कमरे में आए मगर गद्दी पर न बैठकर मसहरी पर जा लेटी और आंचल से मुंह ढांप न मालूम क्या सोचने लगी। उन्हीं छोकरियों में से एक पंखा झलने लगी। बाकी अपने मालिक को उदास देखकर सुस्त खड़ी हो गई, मगर निगाहें सभी की मसहरी की तरफ ही थी। थोड़ी देर तक इस कमरे में सन्नाटा रहा। इसके बाद किसी आने वाले की आहट मालूम हुई। सभी की निगाहें सदर दरवाजे की तरफ घूम गई। किशोरी ने भी मुंह फेरा और उसी तरफ देखने लगी। एक नौजवान लड़का सिपाहियाना ठाट से कमरे में पहुंचा, जिसे देखते ही किशोरी घबराकर उठ बैठी और बोली, कमला, मैं कब से राह देख रही हूँ, तैने इतने दिन क्यों लगाए? पाठक समझ गए होंगे कि यह सिपाहियाना ठाट से आने वाला नौजवान लड़का असल में मर्द नहीं है, बल्कि कमला के नाम से पुकारी जाने वाली कोई अयारा है। कमला, यही सोच के मैं चली आई कि तुम घबरा रही होंगी, नहीं तो 2 दिन का काम और था। किशोरी, क्या अभी पूरा हाल मालूम नहीं हुआ? कमला, नहीं। किशोरी, चुनार में तो हलचल खूब मची होगी। कमला, इसका क्या पूछना है? मुझे भी जो कुछ थोड़ा बहुत हाल मिला वो चुनार ही में। किशोरी, अच्छा क्या मालूम हुआ? कमला, बूढ़े सौदागर की सूरत बना, जब मैं तुम्हारी तस्वीर जड़ी अंगूठी दे आए उसी समय से उनकी सूरत शक्ल बातचीत और चाल ढाल में फर्क पड़ गया। दूसरे दिन मेरी सौदागर की बहुत खोज की गई। किशोरी, इसमें कोई शक नहीं कि मेरी आह ने अपना असर किया। हाँ, फिर क्या हुआ? कमला, उसके दूसरे या तीसरे दिन उन्हें उदास देख आनंद सिंह किश्ती पर हवा खिलाने ले गए, साथ में एक बूढ़ा नौकर भी था। बहाव की तरफ कोस डेढ़ कोस जाने के बाद किनारे के जंगल से गाने बजाने की आवाज आए। उन्होंने किश्ती किनारे लगाई और उतरकर देखने लगे। वहां तुम्हारी सूरत बना माधवी ने पहले ही जाल फैला रखा था, यहां तक कि उसने अपना मतलब साध लिया और न मालूम किस ढंग से उन्हें लेकर गायब हो गई। उस बूढ़े नौकर की जुबानी जो उनके साथ गया था, मालूम हुआ कि माधवी के साथ कई औरतें भी थीं जो इन दोनों भाइयों को देखते ही भागी। आनंद सिंह उन औरतों के पीछे लपके, लेकिन वे भुलावा देकर निकल गईं और आनंद सिंह ने लौटकर आने पर अपने भाई को भी न पाया। तब गंगा किनारे पहुंच डोंगी पर बैठे हुए खिदमतगार से सब हाल कहा। किशोरी, यह कैसे मालूम हुआ कि माधवी ने मेरी सूरत बनाकर धोखा दिया? बयान 12। अब हम आपको एक दूसरी सरजमीन में ले चलकर एक दूसरे ही रमणीक स्थान की सैर करा तथा इसके साथ ही साथ बड़े बड़े ताज्जुब के खेल और अद्भुत बातों को दिखाकर अपने किस्से का सिलसिला दुरुस्त किया चाहते हैं। मगर यहाँ एक जरूरी बात लिख देने की इच्छा होती है जिसके जानने से आगे चलकर आपको कुछ ज्यादा आनंद मिलेगा। इस जगह बहुत सी अद्भुत बातों को पढ़कर आप ऐसा न समझ लें कि यह तिलिस्म है और इसमें ऐसी बातें हुआ ही करती हैं, बल्कि उसे दुरुस्त और होने वाली समझकर खूब गौर करें, क्योंकि अभी यह पहला ही भाग है। इस संतति के 4 भागों में तो हम तिलिस्म का नाम भी न लेंगे, आगे चलकर देखा जाएगा।
आप ध्यान कर ले कि एक अच्छे रमणीक स्थान में पहुंचकर सैर कर रहे हैं। यह जमीन भी लगभग 1000 गज के चौड़ी और इतनी ही लंबी होगी। चारों तरफ की चार खूबसूरत पहाड़ियों से घिरी हुई है। बीच की सब्जी और गुबूटों की बहार देखने ही लायक है। इस कुदरती बगीचे में जंगली फूलों के पेड़ ज्यादा दिखाई देते हैं। उन्हीं में मिले जुले गुलाबों के पौधे भी बेशुमार हैं और कोई भी ऐसा नहीं जिसमें सुंदर कलियां और फूल न दिखाई देते हों। बीच में बड़े बड़े 3 झरने भी खूबसूरती से बह रहे हैं। बरसात का मौसम है। चारों तरफ से पहाड़ों पर से गिरता हुआ जल इन झरनों में जोश मार रहा है। पूरब तरफ पहाड़ी के नीचे पहुंचकर ये तीनों झरने एक हो गए हैं और अंदाज से ज्यादा आया हुआ जल गड्ढे में गिरकर न मालूम कहां निकल जाता है। यहां की आबोहवा ऐसी उत्तम है कि अगर वर्षों का बीमार भी आवे तो 2 दिन में तंदुरुस्त हो जाए और यहां की सैर से कभी जी न घबराए। बीचों बीच में एक आलीशान इमारत बनी हुई है, मगर चाहे उसमें हर तरह की सफाई क्यों न हो, फिर भी किसी पुराने जमाने की मालूम होती है। उसी इमारत के सामने एक छोटी खूबसूरत बावली बनी हुई है, जिसके चारों तरफ की जमीन कुछ ज्यादा खूबसूरत मालूम पड़ती है और फूल पत्ते भी मौके से लगाए हुए हैं। यह इमारत सुनसान और उदास नहीं है। इसमें 15-20 नौजवान खूबसूरत औरतों का डेरा है। देखिए, इस शाम के सुहावने समय में वे सब घर से निकलकर चारों तरफ मैदान में घूम घूम कर जिंदगी का मजा ले रही हैं। सभी खुश, सभी की मस्तानी चाल, सभी फूलों को तोड़ तोड़ कर आपस में गेंदबाजी कर रही हैं। हमारे नौजवान नायक कुन इंद्रजीत सिंह भी एक हसीन नाजनीन के हाथ में हाथ दिए बावली के पूरब की तरफ टहल रहे हैं। बात बात में हंसी दिल लगी हो रही है। दीन दुनिया की सुध भूले हुए हैं। लीजिए, वे दोनों थककर बावली के किनारे एक खूबसूरत संगमरमर की चट्टान पर बैठ गए और बातचीत होने लगी। इंद्र, माधवी, मेरा शक किसी तरह नहीं जाता। क्या सचमुच तुम वही हो जो उस दिन गंगा किनारे जंगल में झूला झूल रही थी? माधवी, आप रोज मुझसे यही सवाल करते हैं और मैं कसम खाकर इसका जवाब दे चुकी हूँ, मगर अफसोस कि मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। इंद्र, अंगूठी की तरफ देखकर इस तस्वीर से कुछ फर्क मालूम होता है। माधवी, यह दोष मुसव्वर का है। इंद्र, खैर जो हो, फिर भी तुमने मुझे अपने वश में कर रखा है। माध, हाँ ठीक है, मुझसे मिलने का उद्योग तो आप ही ने किया था। इंद्र, अगर मैं उद्योग न करता तो क्या तुम मुझे जबरदस्ती ले आती? माधवी, खैर जाने दीजिए, मैं कबूल करती हूँ कि आपने मेरे ऊपर एहसान किया, बस। इंद्र, हंसकर, बेशक तुम्हारे ऊपर एहसान किया कि दिल और जान तुम्हारे हवाले किए। माधवी, शर्माकर और सिर नीचा करके, बस रहने दीजिए, ज्यादा सफाई न दीजिए। इंद्र, अच्छा इन बातों को छोड़ो और अपने वादे को याद करो। आज कौन दिन है? बस आज तुम्हारा पूरा हाल सुने बिना न मानूंगा चाहे जो हो, मगर देखो फिर उन भारी कसमों की याद दिलाता हूँ जो मैं कई दफे तुम्हें दे चुका। मुझसे झूठ कभी न बोलना, नहीं तो अफसोस करोगी। माधवी, कुछ देर तक सोचकर, अच्छा आज भर मुझे और माफ कीजिए, आपसे बढ़कर मैं दुनिया में किसी को नहीं समझती। आप ही की शपथ खाकर कहती हूँ कि कल जो पूछेंगे सब ठीक ठीक कह दूंगी, कुछ न छिपाऊंगी। आसमान की तरफ देखकर, अब समय हो गया, मुझे 2 घंटे की फुर्सत दीजिए। इंद्र, लंबी सांस लेकर, खैर कल ही सही, जाओ मगर 2 घंटे से ज्यादा न लगाना। माधवी उठी और मकान के अंदर चली गई। उसके जाने के बाद इंद्रजीत सिंह अकेले रह गए और सोचने लगे कि यह माधवी कौन है, इसका कोई बड़ा बुजुर्ग भी है या नहीं, यह अपना हाल क्यों छिपाती है, सुबह शाम 2-2, 3-3 घंटे के लिए कहां और किससे मिलने जाती है। इसमें तो कोई शक नहीं कि यह मुझसे मोहब्बत करती है, मगर ताज्जुब है कि मुझे यहां क्यों कैद कर रखा है। चाहे यह सरजमीन कैसी ही सुंदर और दिल लुभाने वाली क्यों न हो, फिर भी मेरी तबीयत यहां से उचाट हो रही है। क्या करें, कोई तरकीब नहीं सूझती, बाहर का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। यह तो मुमकिन ही नहीं कि पहाड़ चढ़कर कोई पार हो जाए, और यह भी दिल नहीं कबूल करता कि इसे किसी तरह रंज करूं और अपना मतलब निकालूं, क्योंकि मैं अपनी जान इस पर न्यौछावर कर चुका हूं। ऐसी ऐसी बहुत सी बातों को सोचते इनका जी बेचैन हो गया। घबराकर उठ खड़े हुए और इधर उधर टहलकर दिल बहलाने लगे। चश्मे का जल निहायत साफ था। बीच की छोटी छोटी खुशरंग कंकरियां और तेजी के साथ दौड़ती हुई मछलियां साफ दिखाई पड़ती थी।
इसी की कैफियत देखते किनारे किनारे जाकर दूर निकल गए और वहां पहुंचे जहां तीनों चश्मों का संगम हो गया था और अंदाज से ज्यादा आया हुआ जल पहाड़ी के नीचे एक गड्ढे में गिर रहा था। एक बारीक आवाज इनके कान में आए, सिर उठाकर पहाड़ की तरफ देखने लगे। ऊपर 15-20 गज की दूरी पर एक औरत दिखाई पड़ी जिसे अब तक इन्होंने इस हाथे के अंदर कभी नहीं देखा था। उस औरत ने हाथ के इशारे से ठहरने के लिए कहा तथा ढोकों की आड़ में जहां तक बन पड़ा अपने को छिपाती हुई नीचे उतर आई और आड़ देकर इंद्रजीत सिंह के पास इस तरह खड़ी हो गई जिससे उन नौजवान छोकरियों में से कोई इसे देखने न पावे जो यहां की रहने वालियां चारों तरफ घूमकर चुहलबाजी में दिल बहला रही हैं और जिनका कुछ हाल हम ऊपर लिखाए हैं। उस औरत ने एक लपेटा हुआ कागज इंद्रजीत सिंह के हाथ में दिया। इन्होंने कुछ पूछना चाहा मगर उसने यह कहकर कुमार का मुंह बंद कर दिया कि बस जो कुछ है इसी चिट्ठी से आपको मालूम हो जाएगा। मैं जुबानी कुछ कहा नहीं चाहती और न यहाँ ठहरने का मौका है, क्योंकि कोई देख लेगा तो हम आप दोनों ऐसी आफत में फंस जाएंगे कि जिससे छुटकारा मुश्किल होगा। मैं उसी की लौड़ी हूँ जिसने यह चिट्ठी आपके पास भेजी है। उसकी बात का इंद्रजीत सिंह क्या जवाब देंगे इसका इंतजार न करके वो औरत पहाड़ी पर चढ़ गई और 40-50 हाथ जा एक गड्ढे में घुसकर न मालूम कहां लोप हो गई। इंद्रजीत सिंह ताज्जुब में आकर खड़े आधी घड़ी तक उस तरफ देखते रहे मगर फिर वो नजर न आए। लाचार इन्होंने कागज खोला और बड़े गौर से पढ़ने लगे। यह लिखा था, हाय, मैंने तस्वीर बनकर अपने को आपके हाथ में सौंपा मगर आपने मेरी कुछ भी खबर न ली, बल्कि एक दूसरी ही औरत के फंदे में फंस गए जिसने मेरी सूरत बना आपको पूरा धोखा दिया। सच है वो परीजमाल जब आपके बगल में बैठी है तो फिर मेरी सुध क्यों आने लगी। आपको मेरी ही कसम है, पढ़ने के बाद इस चिट्ठी के इतने टुकड़े कर डालिए कि एक अक्षर भी दुरुस्त न बचने पावे। आपकी दासी किशोरी। इस चिट्ठी के पढ़ते ही कुमार के कलेजे में एक धड़कन सी पैदा हुई। घबरा कर एक चट्टान पर बैठ गए और सोचने लगे, मैंने पहले ही कहा था कि इस तस्वीर से उसकी सूरत नहीं मिलती, चाहे यह कितनी ही हसीन और खूबसूरत क्यों न हो मगर मैंने तो अपने को उसी के हाथ बेच डाला है जिसकी तस्वीर खुशकिस्मती से अब तक मेरे हाथ में मौजूद है। तब क्या करना चाहिए, यकायक इससे तमाशा करना भी मुनासिब नहीं। अगर यह इसी जगह मुझे छोड़कर चली जाए और अपनी सहेलियों को भी लेती जाए तो मैं क्या करूँगा, घबरा कर सिवाय प्राण दे देने के और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से निकलने का रास्ता मालूम नहीं। यह भी नहीं हो सकता कि इन दोनों पहाड़ियों पर चढ़कर पार हो जाऊं, क्योंकि सिवाय ऊंची सीधी चट्टान के चढ़ने लायक रास्ता कहीं भी नहीं मालूम पड़ता। खैर जो हो, आज मैं जरूर उसके दिल में कुछ खुटका पैदा करूंगा। नहीं नहीं, आज भर और चुप रहना चाहिए, कल उसने अपना हाल कहने का वादा किया ही है, आखिर कुछ न कुछ झूठ जरूर कहेगी, बस उसी समय टोकूंगा। एक बात और है, कुछ रुककर अच्छा देखा जाएगा। यह औरत जो मुझे चिट्ठी दे गई है यहाँ किस तरह पहुँची, पहाड़ी की तरफ देखकर जितनी दूर ऊंचे उसे मैंने देखा था वहाँ तक तो चढ़ जाने का रास्ता मालूम होता है, शायद इतनी दूर तक लोगों की आमदरफ्त होती होगी। खैर ऊपर चलकर देखूं तो सही कि बाहर निकल जाने के लिए कोई सुरंग तो नहीं है। इंद्रजीत सिंह उस पहाड़ी पर वहाँ तक चढ़ गए जहाँ वो औरत नजर पड़ी थी। ढूंढने से एक सुरंग ऐसी नजर आई जिसमें आदमी बखूबी घुस सकता था। उन्हें विश्वास हो गया कि इसी राह से वो आई थी और बेशक हम भी इसी राह से बाहर हो जाएंगे। खुशी खुशी उस सुरंग में घुसे, 10-12 कदम अंधेरे में गए होंगे कि पैर के नीचे जल मालूम पड़ा। ज्यों ज्यों आगे जाते थे जल ज्यादा जान पड़ता था, मगर यह भी हौसला किए बराबर चले ही गए। जब गले बराबर जल में जा पहुंचे और मालूम हुआ कि आगे ऊपर चट्टान जल के साथ मिली हुई है, तैरकर भी कोई नहीं जा सकता और रास्ता बिल्कुल नीचे की तरफ झुकता अर्थात ढलवा ही मिलता जाता है तो लाचार होकर लौट आए, मगर इन्हें विश्वास हो गया कि वो औरत जरूर इसी राह से आई थी क्योंकि उसे गीले कपड़े पहरे इन्होंने देखा भी था। वे औरतें जो पहाड़ी के बीच वाले दिलचस्प मैदान में घूम रही थीं इंद्रजीत सिंह को कहीं न देख घबरा गईं और दौड़ती हुई उस हवेली के अंदर पहुंची जिसका जिक्र हम ऊपर कर आए हैं। तमाम मकान छान डाला, जब पता न लगा तो उन्हीं में से एक बोली, बस अब सुरंग के पास चलना चाहिए, जरूर उसी जगह होंगे। आखिर वे सब औरतें वहां जा पहुंची जहां सुरंग के बाहर निकलकर गीले कपड़े पहरे इंद्रजीत सिंह खड़े कुछ सोच रहे थे। इंद्रजीत सिंह को सोच विचार करते और सुरंग में आते जाते 2 घंटे लग गए, रात हो गई थी।
चंद्रमा पहले ही से निकले हुए थे, जिसकी चांदनी ने दिलचस्प जमीन में फैलकर अजीब समा जमा रखा था। 2 घंटे बीत जाने पर माधवी भी लौट आई थी, मगर उस मकान में या उसके चारों तरफ अपनी किसी लौड़ी या सहेली को न देख घबरा गई। और उस समय तो उसका कलेजा और भी दहलने लगा, जब उसने देखा कि अभी तक घर में चिराग तक नहीं जला। उसने भी इधर उधर ढूंढना नापसंद किया और सीधे उसी सुरंग के पास पहुंची। अपनी सब सखियों और लौंडियों को भी वहां पाया और यह भी देखा कि इंद्रजीत सिंह गीले कपड़े पहरे सुरंग के मुहाने से नीचे की तरफ आ रहे हैं। क्रोध से भरी माधवी ने अपनी सखियों की तरफ देखकर धीरे से कहा, लानत है तुम लोगों की गफलत पर, इसलिए तुम हराम खोरिनों को मैंने यहाँ रखा था। गुस्सा ज्यादा चढ़ाया था और होंठ कांप रहे थे, इससे कुछ और ज्यादा न कह सकी। फिर भी इंद्रजीत सिंह के नीचे आने तक बड़ी कोशिश से माधवी ने अपने गुस्से को पचाया और बनावटी तौर पर हंसकर इंद्रजीत सिंह से पूछा, क्या आप उस नहर के अंदर गए थे? इंद्र, हाँ। माधवी, भला यह कौन सी नादानी थी, न मालूम इसके अंदर कितने कीड़े मकोड़े और बिच्छू होंगे। हम लोगों को तो डर के मारे कभी यहाँ खड़े होने का भी हौसला नहीं पड़ता। इंद्र, घूमते फिरते चश्मे का तमाशा देखते यहाँ तक आ पहुँचे, जी में आया कि देखें यह गुफा कितनी दूर तक चली गई है। जब अंदर गया तो पानी में भीग कर लौटना पड़ा। माधवी, खैर चलिए कपड़े बदलिए। कुनर इंद्रजीत सिंह का ख्याल और भी मजबूत हो गया। वो सोचने लगे कि इस सुरंग में जरूर कोई भेद है, तभी तो ये सब घबराई हुई यहाँ आ जमा हुई। इंद्रजीत सिंह आज तमाम रात सोच विचार में पड़े रहे। इनके रंग ढंग से माधवी का भी माथा ठनका और वो भी रात भर चारों तरफ दौड़ती रही। बयान 13। दूसरे दिन खा पीकर निश्चिंत होने के बाद दोपहर को जब दोनों एकांत में बैठे तो इंद्रजीत सिंह ने माधवी से कहा, अब मुझसे सब्र नहीं हो सकता, आज तुम्हारा ठीक ठीक हाल सुने बिना कभी न मानूंगा और इससे बढ़कर निश्चिंती का समय भी दूसरा न मिलेगा। माधा, आज मैं जरूर अपना हाल कहूंगी। इंद्र, तो बस कह चलो, अब देर काहे की है, पहले यह बताओ कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं और यह सरजमीन किस इलाके में है जिसके अंदर मैं बेहोश करके लाया गया। माधवी, यह इलाका गया जी का है, यहाँ के राजा की मैं लड़की हूँ, इस समय मैं खुद मालिक हूँ, माँ बाप को मरे 5 वर्ष हो गए। इंद्र, ओहो, तो मैं गया जी के इलाके में आ पहुँचा, कुछ सोचकर तो तुम मेरे लिए चुनार गई थी। माधा, मैं चुनार गई थी और यह अंगूठी जो आपके हाथ में है सौदागर की मार्फत मैंने ही आपके पास भेजी थी। इंद्र, हाँ ठीक है, तो मालूम पड़ता है किशोरी भी तुम्हारा ही नाम है। किशोरी के नाम ने माधवी को चौंका दिया और घबराहट में डाल दिया, मालूम हुआ जैसे उसकी छाती में किसी ने बड़ी जोर से मुक्का मारा हो। फौरन उसका ख्याल उस सुरंग पर गया जिसके अंदर से गीले कपड़े पहरे हुए इंद्रजीत सिंह निकले थे। वो सोचने लगी, इनका उस सुरंग के अंदर जाना बेसबब नहीं था, या तो कोई मेरा दुश्मन आ पहुंचा था या मेरी सखियों में से किसी ने भांडा फोड़ा। इसी वक्त से इंद्रजीत सिंह का खौफ भी उसके कलेजे में बैठ गया और वो इतना घबराए कि किसी तरह अपने को संभाल न सकी। बहाना करके उनके पास से उठ खड़ी हुई और बाहर दालान में जाकर टहलने लगी। इंद्रजीत सिंह भी चेहरे के चढ़ाव उतार से उसके चित का भाव समझ गए और बहाना करके बाहर जाती समय उसे रोकना मुनासिब न समझकर चुप रहे। आधे घंटे तक माधवी उस दालान में टहलती रही। जब उसका जी कुछ ठिकाने हुआ तब उसने टहलना बंद किया और एक दूसरे कमरे में चली गई जिसमें उसकी 2 सखियों का डेरा था, जिन्हें वो जान से ज्यादा मानती थी और जिनका बहुत कुछ भरोसा भी रखती थी। ये दोनों सखियां भी, जिनका नाम ललिता और तिलोत्तमा था, उसे बहुत चाहती थीं और अयारी विद्या को भी अच्छी तरह जानती थीं। माधवी को कुसमय आते देख उसकी दोनों सखियां, जो इस वक्त पलंग पर लेटी हुई कुछ बातें कर रही थीं, घबराकर उठ बैठी और तिलोत्तमा ने आगे बढ़कर पूछा, बहिन क्या है जो इस वक्त यहाँ आए हो, तुम्हारे चेहरे पर तरदुत की निशानी पाई जाती है। माधवी, क्या कहूँ बहिन, इस समय वो बात हुई जिसकी कभी उम्मीद न थी। ललिता, सो क्या, कुछ कहो तो। माधवी, चलो बैठो कहती हूँ, इसीलिए तो आई हूँ। बैठने के बाद कुछ देर तक तो माधवी चुप रही, इसके बाद इंद्रजीत सिंह से जो कुछ बातचीत हुई थी कहकर बोली, इसमें कोई शक नहीं कि किशोरी का कोई दूत यहाँ आ पहुँचा और उसी ने यह सब भेद खोला है। मैं तो उसी समय खटकी थी जब उनको गीले कपड़े पहरे सुरंग के मुंह पर देखा था। बड़ी ही मुश्किल हुई, मैं इनको यहाँ से बाहर अपने महल में भी नहीं ले जा सकती।
क्योंकि वह चांडाल सुनेगा तो पूरी दुर्गत कर डालेगा। और मैं उस पर किसी तरह का दबाव भी नहीं डाल सकती क्योंकि राज्य का काम बिल्कुल उसी के हाथ में है, जब चाहे चौपट कर डाले। जब राज्य ही नष्ट हुआ तो फिर यह सुख कहाँ। अभी तक तो इंद्रजीत सिंह का हाल उसे बिल्कुल नहीं मालूम है, मगर अब क्या होगा सो नहीं कह सकती। माधवी घंटे भर तक अपनी चालाक सखियों से राय मिलाती रही। आखिर जो कुछ करना था उसे निश्चय कर वहाँ से उठी और उस कमरे में पहुँची जिसमें इंद्रजीत सिंह को छोड़ आई थी। जब तक माधवी अपनी सखियों के साथ बैठी बातचीत करती रही, तब तक हमारे इंद्रजीत सिंह भी अपने ध्यान में डूबे रहे। अब माधवी के साथ उन्हें कैसा बर्ताव करना चाहिए और किस चालाकी से अपना पल्ला छुड़ाना चाहिए, सो सब उन्होंने सोच लिया और उसी ढंग पर चलने लगे। जब माधवी इंद्रजीत सिंह के पास आए तो उन्होंने पूछा, क्यों एकदम घबरा कर कहाँ चली गई थी? माधवी, न मालूम क्यों जी मिचला गया था, इसीलिए दौड़ी चली गई। कुछ गर्मी भी मालूम होने लगी, जाकर एक कह कि तब होश ठिकाने हुए। इंद्र, अब तबीयत कैसी है? माधवी, अब तो अच्छी है। इसके बाद इंद्रजीत सिंह ने कुछ छेड़छाड़ न की और हंसी खुशी में दिन बिता दिया, क्योंकि जो कुछ करना था वो तो दिल में था। जाहिर में तकरार कर माधवी के दिल में शक पैदा करना मुनासिब न समझा। माधवी का तो मालूम ही था कि वो शाम को चिराग जले बाद इंद्रजीत सिंह से पूछकर 2 घंटे के लिए न मालूम किस राह से कहीं जाया करती थी। आज भी अपने वक्त पर उसने जाने का इरादा किया और इंद्रजीत सिंह से छुट्टी मांगी। इंद्र, न मालूम क्यों तुमसे कुछ ऐसी मोहब्बत हो गई है कि एक पल को भी आंखों के सामने से दूर जाने देने को जी नहीं चाहता। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात मान लोगी और कहीं जाने का इरादा न करोगी। माधवी, खुश होकर, शुक्र है कि आपको मेरा इतना ध्यान है। अगर ऐसी मर्जी है तो मैं बहुत जल्द लौट आऊंगी। इंद्र, आज तो नहीं जाने देंगे। आहा, देखो कैसी घटा उठी आ रही है। वाह, इस समय भी तुम्हारे जी में कुछ रस नहीं पैदा होता। इस समय इंद्रजीत सिंह ने 2-1 बातें जिस ढंग से माधवी से की, इसके पहले नहीं की थी, इसलिए उसके जी की कली खिली जाती थी। मगर वो ऐसे फेर में पड़ी हुई थी कि जी ही जानता होगा। न तो इंद्रजीत सिंह को नाखुश करना चाहती थी और न अपने नित के काम में ही बाधा डालने की ताकत रखती थी। आखिर कुछ सोच विचार कर इस समय इंद्रजीत सिंह का हुक्म मानना ही उसने मुनासिब समझा और हंसी खुशी में दिल बहलाया। आज चारपाई पर लेटे हुए इंद्रजीत सिंह के पास रहकर उनको अपने जाल में फंसाने के लिए उसने क्या क्या काम किए, इसे हम अपनी सीधी सादी लेखनी से लिखना पसंद नहीं करते। हमारे मनचले पाठक बिना समझे भी न रहेंगे। माधवी को इस बात का बिल्कुल ख्याल न था कि शादी होने पर ही किसी से हंसना बोलना मुनासिब है। वो जी का आ जाना ही शादी समझती थी। चाहे वो अभी तक कुंवारी ही क्यों न हो, मगर मेरा जी नहीं चाहता कि मैं उसे कुंवारी लिखूं, क्योंकि उसकी चाल चलन ठीक न थी। यह सभी कोई जानते हैं कि खराब चाल चलन रहने का नतीजा बहुत बुरा होता है, मगर माधवी के दिल में इसका गुमान भी न था। इंद्रजीत सिंह के रोकने से माधवी अपने नियम तौर पर जहां वो रोज जाती थी आज न गई, मगर इस सबब से आज उसका जी बेचैन था। आधी रात के बाद जब इंद्रजीत सिंह गहरी नींद में सो रहे थे, वो अपनी चारपाई से उठी और जहां रोज जाती थी चली गई। हाँ, आने में उसे आज बहुत देर लगी। इसी बीच में इंद्रजीत सिंह की आंख खुली और माधवी का पलंग खाली देख उन्हें निश्चय हो गया कि आज भी वो अपने रोज के ठिकाने पर जरूर गई। वो कौन सी ऐसी जगह है जहां बिना गए माधवी का जी नहीं मानता, और ऐसा करने से वो एक दिन भी अपने को क्यों नहीं रोक सकती। इसी सोच विचार में इंद्रजीत सिंह को फिर नींद न आई और वो बराबर जागते ही रह गए। जब माधवी आई तब वो जाग रहे थे, मगर इस तरह खुर्राटे लेने लगे कि माधवी को उनके जागते रहने का जरा भी गुमान न हुआ। इसी सोच विचार और दाव घात में कई दिन बीत गए और इंद्रजीत सिंह ने उसका शाम का जाना बिल्कुल रोक दिया। वो अब भी आधी रात को बराबर जाया करती और सुबह होने के पहले ही लौट आती। एक दिन रात को इंद्रजीत सिंह खूब होशियार रहे और किसी तरह अपनी आंखों में नींद को न आने दिया। एक बारीक कपड़े से मुंह ढके चारपाई पर लेटे धीरे धीरे खुर्राटे लेते रहे। आधी रात के बाद माधवी अपने पलंग पर से उठी और धीरे धीरे इंद्रजीत सिंह के पास आकर कुछ देर तक देखती रही। जब उसे निश्चय हो गया कि वो सो रहे हैं, तब उसने अपने आंचल के साथ बंधी ताली से एक अलमारी खोली और उसमें से एक लंबी चाबी निकाल फिर इंद्रजीत सिंह के पास आई तथा कुछ देर तक खड़ी रहकर वो सो रहे हैं इस बात का निश्चय कर लिया। इसके बाद उसने वो शमादान गुल कर दिया जो एक तरफ खूबसूरत चौकी के ऊपर जल रहा था।
माधवी की यह सब कार्रवाई इंद्रजीत सिंह देख रहे थे। जब उसने शमादान गुल किया और कमरे के बाहर जाने लगी, वो अपनी चारपाई से उठ खड़े हुए और दबे कदम तथा अपने को हर तरह से छिपाए हुए उसके पीछे रवाना हुए। सोने वाले कमरे से बाहर निकल माधवी एक दूसरी कोठरी के पास पहुंची और उसी चाबी से जो उसने अलमारी में से निकाली थी उस कोठरी का ताला खोला, मगर अंदर जाकर फिर बंद कर लिया। कुन इंद्रजीत सिंह इससे ज्यादा कुछ न देख सके और अफसोस करते हुए उसी कमरे की तरफ लौटे जिसमें उनका पलंग था। अभी कमरे के दरवाजे तक पहुंचे भी न थे कि पीछे से किसी ने उनके मोड़े पर हाथ रखा। वे चौंके और पीछे फिरकर देखने लगे। एक औरत नजर पड़ी, मगर उसे किसी तरह पहचान न सके। उस औरत ने हाथ के इशारे से उन्हें मैदान की तरफ चलने के लिए कहा और इंद्रजीत सिंह भी बेखटके उसके पीछे मैदान में दूर तक चले गए। वो औरत एक जगह खड़ी हो गई और बोली, क्या तुम मुझे पहचान सकते हो? इसके जवाब में इंद्रजीत सिंह ने कहा, नहीं, तुम्हारी सी काली औरत तो आज तक मैंने देखी ही नहीं। समय अच्छा था। आसमान पर बादल के टुकड़े इधर उधर घूम रहे थे। चंद्रमा निकला हुआ था जो कभी कभी बादलों में छिप जाता और थोड़ी ही देर में फिर साफ दिखाई देता था। वो औरत बहुत ही काली थी और उसके कपड़े भी गीले थे। इंद्रजीत सिंह उसे पहचान न सके। तब उसने अपना बाजू खोला और एक जख्म का दाग उन्हें दिखाकर फिर पूछा, क्या अब भी तुम मुझे नहीं पहचान सकते? इंद्र खुश होकर, क्या मैं तुम्हें चाची कहकर पुकार सकता हूँ? औरत, हाँ बेशक पुकार सकते हो। इंद्र, अब मेरी जान बची, अब मैं समझा कि यहाँ से निकल भागूंगा। औरत, अब तो तुम यहाँ से बखूबी निकल जा सकते हो, क्योंकि जिस राह से माधवी जाती है वो तुमने देख ही लिया है और उस जगह को भी बखूबी जान गए होगे जहाँ वो ताली रखती है। मगर खाली निकल भागने में मजा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इसके साथ ही कुछ फायदा भी हो। आखिर मेरा यहाँ आना ही किस काम का होगा और उस मेहनत का नतीजा भी क्या निकलेगा जो तुम्हारा पता लगाने के लिए हम लोगों ने की है? सिवाय इसके तुम यह भी क्यों कर जान सकते हो कि माधवी कहाँ जाती है या क्या करती है? इंद्र, हाँ बेशक, इस तरह तो सिवाय भागने के और कोई फायदा नहीं हो सकता। फिर जो हुक्म करो मैं तैयार हूँ। औरत, जब माधवी उस राह से बाहर जाए तो उसके पीछे हो जाने से उसका सब हाल मालूम होगा और हमारा काम भी निकलेगा। इंद्र, मगर यह कैसे हो सकेगा? वो तो कोठरी के अंदर जाते ही ताला बंद कर लेती है। औरत, हाँ सो ठीक है, मगर तुमने देखा होगा कि उस दरवाजे के बीचों बीच में ताला जड़ा है जिसे खोलकर वो अंदर गई और फिर उसी ताले को भीतर से बंद कर दिया। इंद्र, मैंने अच्छी तरह ख्याल नहीं किया। औरत, मैं बखूबी देख चुकी हूँ, उस ताले में बाहर भीतर दोनों तरफ से ताली लगती है। इंद्र, खैर इससे मतलब? औरत, मतलब यही है कि अगर इसी तरह की एक ताली हमारे पास भी हो तो उसके पीछे जाने का अच्छा मौका मिले। इंद्र, अगर ऐसा हो तो क्या बात? औरत, यह कोई बड़ी बात नहीं, जहां वो ताली रखती है वो जगह तो तुम्हें मालूम ही होगी। इंद्र, हाँ मालूम है। औरत, बस तो मुझे वो जगह बता दो और तुम आराम करो। मैं कल आकर उस ताली का सांचा ले जाऊंगी और परसों उसी तरह की दूसरी ताली बना लाऊंगी। जहाँ ताली रहती थी उस जगह का पता पूछकर वो काली औरत चली गई और इंद्रजीत सिंह अपने पलंग पर जाकर सो रहे। बयान 14। इंद्रजीत सिंह ने दूसरे दिन पुनः नियत समय पर माधवी को जाने न दिया। आधी रात तक हंसी दिल्लगी ही में काटी। इसके बाद दोनों अपने अपने पलंग पर सो रहे। कुमार को तो खुटका लगा ही हुआ था कि आज वो काली औरत आवेगी, इसलिए उन्हें नींद न आई। बारीक चादर में मुंह ढांके पड़े रहे, मगर माधवी थोड़ी ही देर में सो गई। वो काली औरत भी अपने मौके पर आ पहुंची। पहले तो उसने दरवाजे पर खड़े होकर झांका, जब सन्नाटा मालूम हुआ अंदर चली आई और दरवाजा धीरे से बंद कर लिया। इंद्रजीत सिंह उठ बैठे, उससे अपने मुंह पर उंगली रख चुप रहने का इशारा किया और माधवी के पास पहुंचकर उसे देखा। मालूम हुआ कि वो अच्छी तरह सो रही है। काली औरत ने अपने बटुए में से बेहोशी की बुकनी निकाली और धीरे से माधवी को सुंघा दिया। थोड़ी देर तक खड़ी रहने के बाद माधवी की नब्ज देखी। जब विश्वास हो गया कि वो बेहोश हो गई, तब उसके आंचल से ताली खोल ली और अलमारी में से सुरंग, जिस राह से माधवी आती जाती थी, की ताली निकाल मोम पर उसका सांचा लिया और फिर उसी तरह ताली अलमारी में रख ताला बंद कर अलमारी की ताली पुनः माधवी के आंचल में बांध इंद्रजीत सिंह के पास आकर बोली, मैं सांचा ले चुकी, अब जाती हूँ, कल दूसरी ताली बनाकर लाऊंगी,
तुम माधवी को रात भर इसी तरह बेहोश पड़ी रहने दो। आज वो अपने ठिकाने न जा सकी, इसीलिए सवेरे देखना कैसा घबराती है। सुबह को कुछ दिन चढ़े माधवी की आंख खुली, घबरा कर उठ बैठी। उसने अपने दिल का भाव बहुत कुछ छिपाया, मगर उसके चेहरे पर बदहवासी बनी रही, जिससे इंद्रजीत सिंह समझ गए कि रात इसकी आंख न खुली और रोज की जगह पर न जा सकी, इसका इसे बहुत रंज है। दूसरे दिन आधी रात बीतने पर इंद्रजीत सिंह को सोता समझ माधवी अपने पलंग पर से उठी, शमादान बुझाकर अलमारी में से ताली निकाली और कमरे के बाहर हो उसी कोठरी के पास पहुंची। ताला खोल अंदर गई और भीतर से ताला बंद कर लिया। इंद्रजीत सिंह भी छिपे हुए माधवी के साथ ही साथ कमरे के बाहर निकले थे। जब वो कोठरी के अंदर चली गई तो यह इधर उधर देखने लगे, उस काली औरत को भी पास ही मौजूद पाया। माधवी के जाने के आधी घड़ी बाद काली औरत ने उसी नई ताली से कोठरी का दरवाजा खोला जो बमूजिब सांचे के आज वो बनाकर लाई थी। इंद्रजीत सिंह को साथ ले अंदर जाकर फिर वो ताला बंद कर दिया। भीतर बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए काली औरत को अपने बटुए से सामान निकाल मोमबत्ती जलानी पड़ी, जिससे मालूम हुआ कि इस छो कोठरी में केवल 20-25 सीढ़ियां नीचे उतरने के लिए बनी हैं। अगर बिना रोशनी किए ये दोनों आगे बढ़ते तो बेशक नीचे गिरकर अपने सिर मुंह या पैर से हाथ धोते। दोनों नीचे उतरे, वहाँ एक बंद दरवाजा और मिला, वो भी उसी ताली से खुल गया। अब एक बहुत लंबी सुरंग में दूर तक जाने की नौबत पहुँची। गौर करने से साफ मालूम होता था कि यह सुरंग पहाड़ी के नीचे तैयार की गई है, क्योंकि चारों तरफ सिवाय पत्थर के ईंट चूना लकड़ी दिखाई नहीं पड़ती थी। यह सुरंग अंदाज में 200 गज लंबी होगी। इसे तय करने के बाद फिर बंद दरवाजा मिला, उसे खोलने पर यहाँ भी ऊपर चढ़ने के लिए वैसी ही सीढ़ियाँ मिली जैसी शुरू में पहली कोठरी खोलने पर मिली थी। काली औरत समझ गई कि अब यह सुरंग खत्म हो गई और इस कोठरी का दरवाजा खुलने से हम लोग जरूर किसी मकान या कमरे में पहुंचेंगे, इसलिए उसने कोठरी को अच्छी तरह देखभाल कर मोमबत्ती गुल कर दी। हम ऊपर लिखाए हैं और फिर याद दिलाते हैं कि सुरंग में जितने दरवाजे हैं सभी में इसी किस्म के ताले लगे हैं, जिनमें बाहर भीतर दोनों तरफ से चाबी लगती है। इस हिसाब से ताला लगाने का सुराख इस पार से उस पार तक ठहरा। अगर दरवाजे के उस तरफ अंधेरा न हो तो उस सुराख में आंख लगाकर उधर की चीज बखूबी देखने में आ सकती है। जब काली औरत मोमबत्ती गुल कर चुकी तो उसी ताली के सुराख से आती हुई एक बारीक रोशनी कोठरी के अंदर मालूम पड़ी। उस अयारा ने सुराख में आंख लगाकर देखा, एक बहुत बड़ा आलीशान कमरा बड़े तकल्लुफ से सजा हुआ नजर पड़ा। उसी कमरे में बेशकीमती मसहरी पर एक अधेड़ आदमी के पास बैठी कुछ बातचीत और हंसी दिल्लगी करती हुई माधवी भी दिखाई पड़ी। अब विश्वास हो गया कि इसी से मिलने के लिए माधवी रोज आया करती है। इस मर्द में किसी तरह की खूबसूरती न थी, तिस पर भी माधवी न मालूम इसकी किस खूबी पर जी जान से मर रही थी, और यहाँ आने में अगर इंद्रजीत सिंह विघ्न डालते थे तो क्यों इतना परेशान हो जाती थी। उस काली औरत ने इंद्रजीत सिंह को भी उधर का हाल देखने के लिए कहा। कुमार बहुत देर तक देखते रहे, उन दोनों में क्या बातचीत हो रही थी सो तो मालूम न हुआ, मगर उनके हाव भाव में मोहब्बत की निशानी पाई जाती थी। थोड़ी देर के बाद दोनों पलंग पर सो रहे। उसी समय कुनर इंद्रजीत सिंह ने चाहा कि ताला खोलकर उस कमरे में पहुंचे और दोनों नालायकों को कुछ सजा दे, मगर काली औरत ने ऐसा करने से उन्हें रोका और कहा, खबरदार ऐसा इरादा भी न करना, नहीं तो हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा और बड़े बड़े हौसलों के पहाड़ मिट्टी में मिल जाएंगे। बस इस समय सिवाय वापस चलने के और कुछ मुनासिब नहीं है। काली औरत ने जो कुछ कहा लाचार इंद्रजीत सिंह को मानना और वहां से लौटना ही पड़ा। उसी तरह ताला खोलते और बंद करते बराबर चले आए और उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचे जिसमें इंद्रजीत सिंह सोया करते थे। कमरे में अंदर न जाकर काली औरत इंद्रजीत सिंह को मैदान में ले गई और नहर के किनारे एक पत्थर की चट्टान पर बैठने के बाद दोनों में यूं बातचीत होने लगी। इंद्र, तुमने उस कमरे में जाने से व्यर्थ ही मुझे रोक दिया। औरत, ऐसा करने से क्या फायदा होता, यह कोई गरीब कंगाल का घर नहीं है बल्कि ऐसे की अमलदारी है जिसके यहाँ हजारों बहादुर और एक से एक लड़ाके मौजूद हैं। क्या बिना गिरफ्तार हुए तुम निकल जाते? कभी नहीं, तुम्हारा यह सोचना भी ठीक नहीं है कि जिस राह से मैं आती जाती हूँ उसी राह से तुम भी इस सरजमीन के बाहर हो जाओगे, क्योंकि वह राह सिर्फ हमी लोगों के आने जाने लायक है, तुम उससे किसी तरह नहीं जा सकते। फिर जानबूझकर अपने को आफत में फंसाना कौन बुद्धिमानी थी।
इंद्र, क्या जिस राह से तुम आती जाती हो उससे मैं नहीं जा सकता? औरत, कभी नहीं, इसका ख्याल भी न करना। इंद्र, सो क्यों? औरत, इसका सबब भी जल्दी ही मालूम हो जाएगा। इंद्र, खैर तो अब क्या करना चाहिए? औरत, अब तुम्हें सब्र करके 10-15 दिन और इसी जगह रहना मुनासिब है। इंद्र, अब मैं किस तरह उस बदकारा के साथ रह सकूंगा? औरत, जिस तरह भी हो सके। इंद्र, खैर फिर इसके बाद क्या होगा? औरत, इसके बाद यह होगा कि तुम सहज ही में न सिर्फ इस खोह के बाहर ही हो जाओगे बल्कि एकदम से यहाँ का राज्य भी तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। इंद्र, क्या यह कोई राजा था जिसके पास माधवी बैठी थी? औरत, नहीं, यह राज्य माधवी का है और वो उसका दीवान था। इंद्र, माधवी तो अपने राज्य का कुछ भी नहीं देखती। औरत, अगर वो इस लायक होती तो दीवान की खुशामद क्यों करती? इंद्र, इस हिसाब से तो दीवान ही को राजा कहना चाहिए। औरत, बेशक। इंद्र, खैर अब तुम क्या करोगी? औरत, इसके बताने की अभी कोई जरूरत नहीं। 10-12 दिन बाद मैं तुमसे मिलूंगी और जो कुछ इतने दिनों में कर सकूंगी उसका हाल कहूंगी। बस अब मैं जाती हूँ। दिल को जिस तरह हो सके संभालो और माधवी पर किसी तरह यह मत जाहिर होने दो कि उसका भेद तुम पर खुल गया या तुम उससे कुछ रंज हो। इसके बाद देखना कि इतना बड़ा राज्य कैसे सहज ही में हाथ लगता है जिसका मिलना हजारों सिर कटने पर भी मुश्किल है। इंद्र, खैर यह तमाशा भी जरूर ही देखने लायक होगा। औरत, अगर बन पड़ा तो इस वादे के बीच में 1-2 दफे आकर तुम्हारी सुध ले जाऊंगी। इंद्र, जहां तक हो सके जरूर आना। इसके बाद वो काली औरत चली गई और इंद्रजीत सिंह अपने कमरे में आकर सो रहे। पाठक समझते होंगे कि इस काली औरत या इंद्रजीत सिंह ने जो कुछ किया या कहा सुना किसी को मालूम नहीं हुआ, मगर नहीं, वो भेद उसी वक्त खुल गया और काली औरत के काम में बाधा डालने वाला भी कोई पैदा हो गया, बल्कि उसने उसी वक्त से छिपे छिपे अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी जिसका हाल माधवी को मालूम न हो सका। बयान 15। अब इस जगह थोड़ा सा हाल इस राज्य का और साथ ही इस माधवी का भी लिख देना जरूरी है। किशोरी की माँ अर्थात शिवदत्त की रानी दो बहिने थी, एक जिसका नाम कलावती था शिवदत्त के साथ ब्याही थी और दूसरी मायावती गया के राजा चंद्रदत्त से ब्याही थी। इसी मायावती की लड़की यह माधवी थी जिसका हाल हम ऊपर लिखाए हैं। माधवी को 2 वर्ष की छोड़कर उसकी माँ मर गई थी, मगर माधवी का बाप चंद्रदत्त होशियार होने पर माधवी को गद्दी देकर मरा था। अब आप समझ गए होंगे कि माधवी और किशोरी दोनों आपस में मौसेरी बहिने थी। माधवी का बाप चंद्रदत्त बहुत ही शौकीन और याश आदमी था, अपनी रानी को जान से ज्यादा मानता था। खास राजधानी गया जी छोड़कर प्रायः राजगृह में रहा करता था जो गया से 2 मंजिल पर एक बड़ा भारी मशहूर तीरथ है। यह दिलचस्प और खुशनुमा पहाड़ी उसे कुछ ऐसी भाई की साल में 10 महीने इसी जगह रहा करता, एक आलीशान मकान भी बनवा लिया। यह खुशनुमा और दिलचस्प जमीन जिसमें कुमार इंद्रजीत सिंह बेबस पड़े हैं कुदरती तौर पर पहले ही की बनी हुई थी, मगर इसमें आने जाने का रास्ता और यह मकान चंद्रदत्त ही ने बनवाया था। माधवी के माँ बाप दोनों ही शौकीन थे। माधवी को अच्छी शिक्षा देने का उन लोगों को जरा भी ध्यान न था। वो दिन रात लाड़ प्यार ही में पला करती थी और एक खूबसूरत और चंचल दाई की गोद में रहकर अच्छी बातों के बदले हाव भाव ही सीखने में खुश रहती थी। इसी सबब से इसका मिजाज लड़कपन ही से खराब हो रहा था। बच्चों की तालीम पर यदि उनके माँ बाप ध्यान न दे सके तो मुनासिब है कि उन्हें किसी ज्यादा उम्र वाली और नेकचलन दाई की गोद में दे दें। मगर माधवी के माँ बाप को इसका कुछ भी ख्याल न था और आखिर इसका नतीजा बहुत ही बुरा निकला। माधवी के समय में इस राज्य में 3 आदमी मुखिया थे, बल्कि यूं कहना चाहिए कि इस राज्य का आनंद ये ही तीनों ले रहे थे और तीनों दोस्त एक दिल हो रहे थे। इनमें से एक तो दीवान अग्निदत्त था, दूसरा कुबेर सिंह सेनापति और तीसरा धर्म सिंह जो शहर की कोतवाली करता था। अब हम अपने किस्से की तरफ झुकते हैं और उस तालाब पर पहुँचते हैं जिसमें एक नौजवान औरत को पकड़ने के लिए योगिनी और वंचरी कूदी थी। आज इस तालाब पर हम अपने कई यारों को देखते हैं जो आपस में बातचीत और सलाह करके कोई भारी आफत मचाने की तरकीब जमा रहे हैं। पंडित बद्रीनाथ, भैरव सिंह और तारा सिंह तालाब के ऊपर पत्थर के चबूतरे पर बैठे यूं बातचीत कर रहे हैं। भैरव, कुमार को वहां से निकाल ले आना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तारा, मगर उन्हें भी तो कुछ सजा देनी चाहिए जिनकी बदौलत कुमार इतने दिनों से तकलीफ उठा रहे हैं।
भैरव, जरूर, बिना सजा दिए जी कब मानेगा। बद्री, जहाँ तक हम समझते हैं कल वाली राय बहुत अच्छी है। भैरव, उससे बढ़कर कोई राय नहीं हो सकती, ये लोग भी क्या कहेंगे कि किसी से काम पड़ा था। बद्री, यहाँ तो बस ललिता और तिलोत्तमा ही शैतानी की जड़ हैं। सुनते हैं उनकी अयारी भी बहुत बड़ी चढ़ी है। तारा, पहले उन्हीं दोनों की खबर ली जाएगी। भैरव, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, उन्हें गिरफ्तार किए बिना ही हमारा काम चल जाएगा, व्यर्थ कई दिन बर्बाद करने का मौका नहीं है। तारा, हाँ यह ठीक है, हमें उनकी इतनी जरूरत भी नहीं है। और क्या ठिकाना, जब तक हम लोग अपना काम करें तब तक वे चाची के फंदे में आ फंसे। भैरव, बेशक ऐसा ही होगा, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि तुम लोग इस काम को करो तब तक बन पड़ेगा, तो मैं ललिता और तिलोत्तमा को भी फांस लूंगी। बद्री, खैर जो होगा देखा जाएगा, अब हम लोग अपने काम में क्यों देर कर रहे हैं। भैरव, देर की जरूरत क्या है, उठिए। हाँ, पहले अपना अपना शिकार बांट लीजिए। बद्री, दीवान साहब को मेरे लिए छोड़िए। भैरव, हाँ आपका वजन बराबर है, अच्छा मैं सेनापति की खबर लूंगा। तारा, तो वो चांडाल कोतवाल मेरे बांटे पड़ा, खैर यही सही। भैरव, अच्छा अब यहाँ से चलो। ये तीनों एआर वहाँ से उठे ही थे कि दाहिनी तरफ से छींक की आवाज आ रही। बद्री, धतेरे की, क्या तेरे छींकने का कोई दूसरा समय न था। तारा, क्या आप छींक से डर गए। बद्री, मैं छींक से नहीं डरा, मगर छींकने वाले से जी खटकता है। भैरव, हमारे काम में विघ्न पड़ता दिखाई देता है। बद्री, इस दुष्ट को पकड़ना चाहिए, बेशक यह चुपके चुपके हमारी बातें सुनता रहा। तारा, छींक नहीं बदमाशी है। बद्रीनाथ ने इधर उधर बहुत ढूंढा, मगर छींकने वाले का पता न लगा। लाचार तरदूत ही में तीनों वहां से रवाना हुए। इसी के साथ चंद्रकांता संतति के खंड एक का पहला भाग समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इससे लाइक और शेयर करना ना भूले, तथा आगे के भागों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।